ठीक हाँ बारिश हो रही है क्या दिल्ली में? तो बहुत गर्मी है मुझे। यहाँ तो आंधी तूफान और लाइट चली। ओके मैं एक सेकंड के थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करने के लिए अपना म्यूट पे कर रही हूँ और कैमरा स्टॉप कर रही हूँ, पर इन द मीन वाइल अगर कोई कुछ बोलना चाहता है या शेयर करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। नहीं अभी इसका 95 रुपये उनके रजिस्टर में है। ये पैसा डिफरेंट जो ट्रेनिंग हॉल है उसमें वाटर ओके ग्रेट। ममता नहीं हुआ है, एक बार चेक करना दोबारा, आया नहीं है रिक्वेस्ट। ग्रेट, एक बार मैं फॉर्मली सभी को वेलकम करती हूँ इम्पैक्ट की तरफ से इस प्लेटफॉर्म पे जो है चर्चा। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, आप लोग प्लीज, चर्चा का मतलब यही है कि हम आपस में इंटरेक्ट करें, अपने यू नो अपने मन में जो भी टॉपिक को लेके कोई जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स है, इश्यूज है, कंसर्न्स है, उनको शेयर करें। तो इसको एक इंटरैक्टिव सेशन बनाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है। सो आई थिंक हमें अब ऑलरेडी रूल्स सब पता है, हम लोग अपना स्पीकर म्यूट पे रखें और जो बोलना चाहता है वो अनम्यूट कर सकता है और जो भी बोलेगा वो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बार अगर हम लोग सब जने वीडियो ऑन कर लें तो कोमल एक क्विक पिक्चर ले लेगी हमारी सबकी। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सबको एक बार प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो भी है। देखो हाँ जी रजनी जी, रजनी, कैसे पिंटू, हैं? कोमल, एवरीबॉडी इज योर गुड गुड, सब बढ़िया। ममता कहाँ है? ट्रेन में हो या दिल्ली में हो? ममता अभी ऑफिस में ही है, शी इज हियर इन ऑफिस। इनका ड्राइव मोड ऑन हो गया है। रश्मि जी मास्क हटा दो यार, क्या है घर में बैठकर मास्क लगाने की क्या जरूरत है? हाँ यार देखो तो सही यार, मैं घर से बाहर हूँ थोड़ा सा यार। कोमल ले लिया है? हाँ जी हाँ जी। ग्रेट, आई थिंक अब हम लोग सब जने अगर चाहते हैं तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है तो प्लीज कैमरा ऑन रखिए। मैं एक बार क्विकली चेक कर सकती हूँ और अगर हाफिज सर हमारे साथ आ गए हैं तो हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं।
इन द मीनवाइल क्या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कैसे चल रहा है आपके आसपास सिचुएशन? आई होप एवरीथिंग इज गुड, अंडर कंट्रोल, आप लोग सब सेफ हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, मैं लास्ट समन के बारे में बताना चाहूंगा मैं। चलिए कुलदीप का, उसके बाद मैं बोलता हूँ। हाँ कुलदीप बोलो प्लीज, कुलदीप के बाद अनुज। हाँ मैम, लास्ट समन के अंदर 172 कोरोना पॉजिटिव थे, उसमें से एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई और लगभग 160 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं और सिर्फ अभी 6 या 7 मरीज एक्टिव है, मतलब टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमारा रिकवरी रेट काफी अच्छे से बढ़ा है और बेटर हुआ है, वो एक बहुत क्विकली। एक बार अनुज की भी बात सुन लेते हैं, आई थिंक हार्डी सर भी हमारे साथ हैं, हृदय सर। सो इस पहले कि मैं उनको वेलकम उत्तराखंड में भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग थे, जैसे हमारा टिहरी डिस्ट्रिक्ट था, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ केसेस हैं अभी भी एक्टिव लगभग 53 के आसपास, जिसमें 400 के आसपास थे वो सब रिकवर हो गए हैं, 53 के आसपास भी एक्टिव केस बचे हैं यहाँ पे। और उत्तरकाशी जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई केस अभी तक नहीं आया है और वहाँ पे 0 केसेस है। और वहाँ पे जौनपुर में भी कोई केस नहीं आया है, जहाँ पे हमारे सेंटर चलते हैं, मैक्सिमम सेंटर। थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुज। यस सर, नाउ इज बेटर? यस इट इज बेटर अनुज। या तो मैम, जैसे जौनपुर है, जौनपुर ब्लॉक में जब हमारे सेंटर चलते हैं, 44 सेंटर है, वहाँ पे भी कोई कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं आया है और ना ही मोरी में कोई कोरोना पॉजिटिव आया है अभी तक। और लेकिन भिलंगना में कुछ केसेस थे, पूरे भिलंगना में, जिसमें से जो है 53 केसेस अभी एक्टिव हैं, बाकी जो है 2 विलेजेस जहां पे हमारे सेंटर चलते हैं वो कंटेनमेंट जोन में है, वहां पे सब खुला हुआ है, बट 53 अभी एक्टिव। आप कहाँ पर है? मैं तो अभी देहरादून में हूँ मैडम। अच्छा ठीक ठीक है, ओके अनुज। आई थिंक हृदय सर भी हमारे साथ हैं। सर वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ इम्पैक्ट, सो आई थिंक वी कैन क्विकली स्टार्ट एंड ओवर टू यू। शुरू कर दूं? शुक्रिया। मैं आप सब लोगों को जानता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा आपसे के बारे में, जो पुरानी आपकी चर्चाएं थी उससे मेरे को समझ में आया, पर बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं सिर्फ जो मुझे समझ में आया उसके आधार पे थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं जो आप एक सवाल जो रखा गया था वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में, और इसके बारे में 2-3 मसले थे जो आप लोगों ने रखे हैं। तो पहले तो इसी से शुरू करते हैं कि ये जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं या समुदाय की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है। तो एक तरह से अगर देखें तो समुदाय को हम देख सकते हैं कि जो समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जो पंच हैं, सरपंच हैं, और जो इस तरह के लोग हैं जो राजनीतिक गतिविधियों में, मैं सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित रहते हैं, एक तरह से जो गांव के नेतागण हैं वो समुदाय है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देखें तो वो लोग हो सकते हैं जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर कुल मिला के समुदाय देखे तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाशिए पे हैं, जो उनके बच्चे अभी स्कूल आने के स्थिति में नहीं है, वो उस तरह की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति नहीं जुटा पाते जिससे वो बच्चों को स्कूल में भेज सके। हालांकि ये बात सही है कि पिछले 20 साल में जैसा गोविंदा ने भी कहा था कि बहुत सारा एक्सेस को लेके बहुत काम हुआ है और एक्सेस अब काफी ज्यादा हो गई है,
लेकिन फिर भी ये स्कूल का जो दायरा है वो कुछ बच्चों को तो बाहर ही रखता है, और उसका कारण मात्र आर्थिक नहीं है, वो गांव की रचना, गांव में स्कूल की स्थिति, ये सब मामले भी निर्धारित करते हैं कि उस स्कूल में कौन से बच्चे नहीं आ पाएंगे। मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने इस बात को कितना महसूस किया है, लेकिन अगर आप किसी स्कूल में जाएं और उस स्कूल में ये देखने की कोशिश करें कि जो बच्चे ज़्यादा बोल रहे हैं, जो बच्चे जो आगे बैठे हैं, जिन बच्चों को की तरफ शिक्षक ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो बच्चे किस प्रकार के पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। मैं काफ़ी समय तक मध्य प्रदेश में था, मुझे मालूम नहीं आप लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमोबेश सभी जगह हिंदी भाषी राज्यों में यही स्थिति है, शायद दक्षिण भारत में भी, कि आप किसी स्कूल में जाएं मेहमान के तौर पे तो आपकी सारी आवभगत भगत की जिम्मेदारी लड़कियों की है, और स्कूल का जो पूरा इस तरह का काम है, टीचर्स के लिए चाय बनाना, गिलास धोना, ये सब काम लड़कियों की जिम्मेदारी है। तो एक तरह से जो जिस समूह के साथ आप काम कर रहे हैं, उस समूह के बारे में जो शिक्षकों की धारणा है, समाज की धारणा है, उस धारणा के बारे में भी हमें चिंता करने की जरूरत है कि उस धारणा में क्या ऐसे हिस्से हैं जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है। और ये हर साहब ने चर्चा की थी कि हमारे लिए शिक्षा का लक्ष्य क्या है, उन्होंने कई बातें कही थी, और उन्होंने इस बात को भी कहने की कोशिश की थी जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कहना, कि शिक्षा का लक्ष्य लर्निंग लेवल हासिल करना नहीं है और परीक्षाएं पास करना नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत सीमित उद्देश्य है। अगर हम ये देखें कि एक गांव के बच्चे के लिए, एक गांव के पालक के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो एक तरफ से तो हमें ये लगता है कि उसका उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी जिंदगी का जो पीड़ा है, हमारी जिंदगी का जो बंधन है, उसको उससे मुक्त हो पाए। अब इसकी मुक्ति के क्या रास्ते उनको दिख पाते हैं, क्या रास्ते हमारे काम से बन पाते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्वतंत्रता के पहले से ही और उसके बाद भी जो मुख्य बात हम लोगों ने कही है वो ये है कि पढ़ने का उद्देश्य है काम ना करना, पढ़ने का उद्देश्य है सफेद कॉलर वाली नौकरी हासिल करना, और पढ़ने लिखने का उद्देश्य है नवाब बनना। तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा के बारे में बात करने वाले लोगों ने रखी थी, और जो इस पूरी बात के बिल्कुल खिलाफ थी, वो ये थी कि शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ये कोशिश करना है कि बच्चा अपने समाज, अपनी परिस्थिति, जिस वातावरण में वो रह रहा है, उसके साथ अंतःक्रिया कर सके, उसमें सम्मिलित भी हो सके, और उसमें कुछ ऐसे नए आइडियाज भी डाल सके जिससे वो समाज परिवर्तन की तरफ बढ़े। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरू से ही शिक्षा दो काम करती रही है इंसान के लिए। एक काम तो ये कि जो हमारी धरोहर है, जो पहले से संचित समझ है, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, और दूसरा काम ये है कि नए सोच और नए विचारों को जन्म देना, जिससे कि समाज की स्थिति जो अभी है उससे वो आगे बढ़ सके। तो इन दोनों चीजों को ही मद्देनजर रख के हम शिक्षा के लक्ष्यों की बात कर सकते हैं। और अगर हम इस दृष्टि से देखें तो लर्निंग आउटकम्स की परिभाषा बदल जाएगी, क्योंकि अभी जो जिस तरह से हम लर्निंग आउटकम्स को परिभाषित करते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि हम किसी तरह से जो पुराना ज्ञान है उसके एक छोटे हिस्से को याद करने के लिए सक्षम हो जाए, उसके ऊपर इस तरह की अधिकार बने कि उसको हम बदल सके, उसके साथ जीवन के और मसलों को जोड़ सके, ये हमारा
वो नहीं बनता। तो पहली बार जब हम समुदाय के जुड़ाव की बात करते हैं तो पहला जुड़ाव तो ये है कि उनका ज्ञान स्कूल में कहाँ तक इस्तेमाल हो पा रहा है। क्या ऐसा है कि जो वहाँ के कारीगर हैं, जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, वो उनके उनका आपका शिक्षक और बच्चे उस तरह से इज्जत करते हैं कि वो कुछ ज्ञान के स्रोत के रूप में हैं और उनके साथ बातचीत करके कुछ ऐसा ज्ञान वो मिलके बना सकते हैं जिससे कि उनके रोजमर्रा के जीवन में कुछ फर्क आ सके। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अगर हम स्कूल के को ये समझें कि वो उस समाज में सिचुएटेड है, जिस समाज के बच्चे वहाँ आ रहे हैं, तो स्कूल की छवि और स्कूल का लक्ष्य बिल्कुल फर्क हो जाएगा। अभी जो स्कूल का लक्ष्य है वो ऐसा है कि जो किसी बाहर से तय किए हुए ज्ञान को हस्तांतरण है, समुदाय और बच्चों के ज्ञान के निर्माण का कोई स्थान नहीं। तो मुझे ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, अगर अपन कभी नई तालीम के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो उसमें ये ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि किस प्रकार से नई तालीम की जो कल्पना थी, जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में हम लोगों के सामने आई, उसमें ये किस प्रकार से बात सोची गई थी कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का बच्चे के साथ क्या संबंध होना चाहिए, स्कूल और शिक्षक का क्या संबंध होना चाहिए, स्कूल और समुदाय का क्या संबंध होना चाहिए। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम समुदाय की भागीदारी के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पे हम उस भागीदारी को स्कूल की दहलीज तक ही मानते हैं। बच्चे को वो भेड़ों की तरह हांक के दहलीज के अंदर छोड़ दे और स्कूल का टाइम खत्म होने पर दहलीज से ले जाए, उसकी स्कूल के अंदर कोई भूमिका नहीं, ना तो उसके ज्ञान की, ना तो उसके व्यक्तित्व की। और जो स्कूल का पूरा कार्यक्रम है वो बच्चे को अपने परिवार, अपने अपने जीवन के धर्रे और से अलग तक करने का है, ना कि उसके उसके साथ सम्मिश्रण का। तो मुझे ये बात इस कहनी इसलिए ज़रूरी लग रही है क्योंकि गांव के और गरीबों के साथ काम करते समय अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि इस बच्चे की जिंदगी का जो जो परिवर्तन है वो उसी समाज के दायरे में होगा, उसी से थोड़ा आगे बढ़ के होगा, वो उस तरह से नहीं होगा कि हम ये सोचें कि जिन भी बच्चों के साथ हम बच्चियों के साथ हम काम कर रहे हैं वो सब बैंक की परीक्षाओं में, आईएएस की परीक्षाओं में सफल होके आईएएस और बैंक अधिकारी बन जाएंगी, या हमारे देश में इतनी जगह है कि सारे के सारे लोग जो पढ़ लिख के इस तरह की नौकरियां हासिल कर सकते हैं जिसमें वो चाहे तो सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, हाथ से काम किए बगैर पगार पा सकते हैं। तो कुल मिला के जब हम बात करते हैं सभी की शिक्षा की और एक ऐसी शिक्षा की जो बच्चे को संपूर्ण कर सके, तो उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हाथ से काम करने को महत्वपूर्ण माने, हाथ से काम करने वालों की इज्जत करें ताकि वो अपने समुदाय, अपने परिवार और अपने रहन सहन की इज्जत कर सके, उसको एक बेड़ी में माने जिसको तोड़ के उसको शहर में जाना है, या अगर स्लम में है तो उसको तोड़ के उसको कहीं और जाना है। तो मैं इसलिए बात ये रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब पढ़ाई लिखाई की पे बहुत जोर था और ये कल्पना थी कि सब लोग पढ़ लिख के नौकरी पा लेंगे, ये बात मैं 70-80 के दशक की कर रहा हूँ, तो हम लोग एक गांव में काम मेला कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई जो गांव में थे, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जो उनके युवा हैं जो अभी अभी स्कूल से 10th, 12th, 11th करके या कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, उनका कहना था कि ये लोग हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, इनके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये कुल मिला के दिन भर इनके पास कुछ भी करने का मीनिंगफुल करने का कोई जगह नहीं होती। तो
ये जो इम्पोर्टेंट मसला है, मुझे लगता है इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और जहां हम लोग काम कर रहे हैं, कम से कम खासतौर पे आप तो आए इम्पैक्ट से जुड़े हैं, तो ये बात सोची जानी चाहिए कि कैसे स्कूल इन दोनों चीजों को मिला के चल सकता है, जिसमें बच्चे पढ़ना लिखने के सीखने के साथ साथ परिवार के कामों में भी कुछ मदद करें, और परिवार और बच्चे दोनों मिलके न सिर्फ कामों में भागीदारी करें पर परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पढ़ना लिखना भी सीखें। तो एक ऐसा माहौल जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हैं, ये बात बहुत जरूर है। आप कहेंगे कि भाई मैं कैसी बात कर रहा हूँ, एक तरफ से तो हम बाल अधिकार नियम की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मजदूरी करना और परिवार में माता पिता की मदद करना, माता पिता के साथ कुछ काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि जिंदगी में जो हमारा खुद का काम है वो हमें ही करना है, और इसकी जो तैयारी है वो अगर हम बचपन से नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए उस तरह के साधन होंगे कि हम मिलजुल के एक दूसरे की मदद से ऐसा काम कर पाएंगे, उतनी सहकारिता भी समाज में नहीं है। तो इसलिए चाहे आप किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से आ रहे हो, जब तक कि आपके जहन में ये नहीं है कि मैं तो दो चार लोगों को, इंसानों को नौकरों की तरह, मैं नौकर यहाँ पे थोड़ा डेरोगेटरी शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, रख सकता हूँ और उनके ऊपर हुक्म चला सकता हूँ, तब तक अपने हाथ से काम करना सीखना बचपन से ही एक शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। तो मैं इसलिए जब हम समुदाय की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम समुदाय की भागीदारी की बात किस दृष्टि से कर रहे हैं, क्या हम उनका स्कूल पे और स्कूल में जो हो रहा है उसमें कुछ अधिकार मानते हैं, क्या हम ये मानते हैं कि वो कुछ ऐसी चीजें कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे स्कूल में बच्चों के जो ज्ञान में उसमें वृद्धि हो, या हम ये नहीं मानते। सुबीर जब बात कर रहे थे तो उन्होंने दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, मैं उनको याद करके हुए बताता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ बच्चे जो वाक्य बोले उनको मैं लिखूं। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्राफ्ट की गतिविधियां हैं जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए जरूरी है, और उसमें उसकी सृजन की क्षमता भी बढ़ती है। तो अगर हम इन चीजों को के बारे में सोचें तो इन दोनों चीजों में समुदाय के जो लोग हैं उनसे बहुत मदद मिल सकती है। एक तो इस मायने में कि जब वो अपने काम के बारे में बताएंगे और काम के बारे में बच्चे उनसे सवाल पूछेंगे तो वो सवाल ऐसे होंगे जो पहने होंगे, जो बच्चों के सोचने को और ज्यादा सुदृढ़ करेंगे और उनको ऐसी जानकारी देंगे जो शायद उनको जहां वो है उससे और आगे ले जाएगी। दूसरा, अगर उन सवालों को और उन जवाबों को आप संक्षेप में लिखेंगे तो वो पूरी सामग्री ऐसी होगी, वो पूरी शब्दावली ऐसी होगी जिससे बच्चे परिचित हैं, और इस दृष्टि से उनके लिए पढ़ने की शुरुआत करना, उस जो चीज पढ़ी है उसके ऊपर और नई चीजें रचना आसान हो जाएगा। सुबह ने सवाल भी पूछे थे कि भाई कोई वाक्य है, कोई शब्द है, इनको जो अनरिलेटेड है इनको रिलेट करके आप वाक्य बनाइए। आप इन शब्दों को जोड़ के बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि वो कलेक्टिवली मिलके एक कहानी लिखे, एक विवरण लिखे। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम जब बच्चे के ज्ञान के इस्तेमाल की बात करते हैं, बच्चे के ज्ञान को कक्षा में लाने की बात करते हैं, बच्चे के ज्ञान की कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल की बात करते हैं, तो उसमें समुदाय की और समुदाय के ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसको अभी हम पूरी तरह से देश में नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी जो बात मुझे लगती है कि वहाँ पे अगर आप किसी कुम्हार से बात करें तो मैं कुम्हार की बात कह रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे बिजली का रिपेयर करने वाला ले लें,
वो हर व्यक्ति अपने काम के बारे में जब बात करेगा तो उसके काम की जो प्रस्तुति है उसमें वो यथार्थता होगी जिससे बच्चे जोड़ पाएंगे। और बच्चों के सवाल से एक तो उसके काम, उसके अपने काम के महत्व को ज्यादा बल मिलेगा और समुदाय का स्कूल में आना उनको उनके स्कूल के प्रति दृष्टि को बदलेगा और स्कूल की उनके प्रति दृष्टि को बदलेगा। तो मैं इस, चाहे वो आपका कक्षा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, जैसे भी जो भी आपका तरीका है, चाहे आपके वो सेंटर्स हो, उनमें सब में पालकों की भूमिका, बच्चों को, बच्चों के साथ उनका जुड़ाव, उनके साथ उनके जो ज्ञान को रचने में, उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तो मैं आपसे जब ये आग्रह कर रहा हूँ कि समुदाय की भागीदारी की बात की जब हम बात करें तो हम ये मान के चलें कि हम उनकी भूमिका सिर्फ गडरिया की नहीं मान रहे हैं और चौकीदार की नहीं मान रहे हैं कि वो बच्चा घर पहुंचे तो उसको चौकीदार की तरह बिठा के होमवर्क कराएं, पर एक सीखने में भागीदार की तरह मान रहे हैं जिसके साथ शिक्षक भी सीखेगा और बच्चे भी सीखेंगे और वो भी बच्चे और शिक्षकों के साथ सीखेगा। तो अगर इस तरह की भागीदारी की कल्पना करेंगे तो उसके रास्ते क्या होंगे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी और उसको कभी इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। अपने 30-35 साल के अनुभव के में मैंने ये सब उतना करने का प्रयास नहीं किया है जितना मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जाके मुझे स्पष्ट हुआ है कि आखिर समुदाय का जो भागीदारी है शिक्षा में वो सिर्फ गडरिये और चौकीदार से ज्यादा है और वो भागीदारी ही एक्चुअली शिक्षा को बदलेगी। जब तक के जो प्रमुख स्टेक होल्डर है हमारा शिक्षा में समुदाय, उसकी इसके प्रति एक दृष्टि नहीं बनेगी, उसकी समझ का कक्षा में को प्रभाव देने में मदद नहीं होगी, तब तक हमारी शिक्षा में वो परिवर्तन नहीं हो सकता जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम बाहर से परिवर्तन की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ऐसे परिवर्तन की जिसको हम कमरों में बैठकर चर्चाओं में कल्पित कर सोचेंगे और उसको फिर हम अपने शिक्षकों को देंगे और शिक्षकों के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बारे में बिहार साहब ने एक बड़ा बढ़िया सा उदाहरण किया, प्रस्तुत किया था रिफ्लेक्शन का, अपवर्तन कहते हैं रिफ्लेक्शन को, मतलब ये कि जब प्रकाश या कोई भी तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका रास्ता थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो हर स्तर पे, मानिए एक तरंग जा रही है तो हर स्तर पे वो विचारकों के स्तर से जब टीचर एजुकेटर्स के पास जाती है थोड़ा बदल जाती है, टीचर्स के पास जाती है और बदल जाती है, और टीचर्स से बच्चों का तक जाते जाते और बदल जाती है। तो पूरा का पूरा जो शिक्षा के बारे में हमने एक बड़ा सोचा समझा सा ढांचा बनाया है वो जमीन पे आते आते बिल्कुल अलग हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि कैसे कुछ ऐसा परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जो स्कूल, टीचर और बच्चों और समुदाय के मिलके शुरू हो। इसके बारे में और बात कर सकते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत प्रयास हमारे कुछ साथियों ने किया है जिनको मैं जानता हूँ, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप सबसे ज्यादा बेहतर प्रयास कर सकते हैं। जो दूसरा मसला मुझे लगता है बहुत जरूरी है वो ये है कि समुदाय और स्कूल का जो रिश्ता है वो टीचर की इज्जत के लिए भी बहुत जरूरी है। अभी टीचर एक बाहरी सरकारी नुमाइंदा है या किसी संस्था का नुमाइंदा है जिसको जिसको तनख्वाह, एक सेकेंड जस्ट, जिसको तनख्वाह मिलती है और उसका उसका और समुदाय का सिर्फ ये रिश्ता है कि उस प्रक्रिया में उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी मॉनिटरिंग समुदाय को करनी है। ज्यादा से ज्यादा यही भूमिका हम लोग अभी तक देख पाए हैं और
आप चाहे स्कूल एसएमसी की बात कर लें, चाहे किसी की बात कर लें, उस सब में ये बेसिक है कि हमें टीचर पे अंकुश लगा के उसको काम करने को मजबूर करना है। लेकिन अगर आप एक वैकल्पिक कल्पना करें जिसमें पालक और शिक्षक मिलके बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो उसमें फिर पूरा का पूरा जो मॉनिटरिंग का ढांचा है, स्कूल का ढांचा है, स्कूल और समुदाय का रिश्ता है, वो उलट जाता है। और स्कूल में उनकी भागीदारी, उनकी जिम्मेदारी, उनका साथ, उनका टीचर के साथ काम करना एक फर्क नजरिया देता है उनको, जिससे कि स्कूल के प्रति और शिक्षक के प्रति उनका दृष्टि भी बदलती है। शिक्षक अब एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, जिसकी जिसकी कमजोरियां भी हैं, जिसकी ताकतें भी हैं, सामने आता है। और बहुत सारी चीजें जिसके बारे में वो सामान्य तौर पे बात नहीं कर पाते, इस तरह की परिस्थिति में बात कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बात है जिसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम ये मानते हैं कि शिक्षक बेचारा क्लास में अकेला रहे और वो सारे के सारे लोग उसके ऊपर बंदूक तान के खड़े हों कि बच्चों को तूने नहीं सिखाया तो तू कसूरवार है। क्या बाकी सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि शिक्षक को मदद करें और ये माने कि अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको हमें मदद करनी है बजाय बजाय उसकी गलतियां निकालने की। तो मैं इसलिए इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि समुदाय जो है, किस दृष्टि से हम उसको देखते हैं, उसकी स्कूल में भूमिका क्या देखते हैं और किस तरह से उसको रच सकते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। अभी तक हमने उनको बाड़ा बनाने के लिए, मतलब मुफ्त के मजदूरों के रूप में, चौकीदारों के रूप में, गडरियों के रूप में देखा है। ज्ञान के निर्माण में शिक्षा पे टिप्पणी करने के लिए, शिक्षक की मदद करने की दृष्टि से हमने नहीं देखा। हमने ये भी नहीं देखा है कि कैसे इस परिस्थिति जब टीचर और पालक एक साथ कुछ बातचीत कर पाते हैं तो कैसे पालक स्वतः घर पे बच्चों के साथ काम करने के, उनके पढ़ाई के लिखाई के काम में कुछ सहयोग करने में खुद को भी सक्षम पाते हैं और बच्चों को भी उनको पता है बच्चों को बच्चे क्या कर रहे हैं, जिससे कि वो उनसे ज़्यादा बेहतर ढंग से उस पर चर्चा कर पाते हैं। इस सब में जो सबसे मुश्किल चरण है वो ये है जो समाज में जिस तरह के रिश्ते हैं, सवाल पूछने के बारे में, सवालों के प्रति और अपने ज्ञान की कमी के प्रति जिस तरह की चिंताएं हैं, उनसे हमें जूझना पड़ेगा। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति आमतौर पे जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो हाथ से काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको नीची निगाह से देखते हैं। तो ये परिवर्तन आप अपने टीचर्स के साथ मिलके कैसे कर पाएंगे उनके अंदर पहले, और उनके साथ मिलके समुदाय के साथ ऐसे रिश्ते बना पाएंगे जिससे उनको स्कूल में आने में, आपके टीचर के साथ बातचीत करने में आत्मविश्वास हो और उनमें एक आमने सामने का नहीं बल्कि साथ होने की भावना आ सके, तो ये समुदाय की भागीदारी का पहला कदम है। उसके बाद फिर हम आगे और सोच सकते हैं कि किस किस तरह से समुदाय स्कूल में बच्चों के सीखने में योगदान दे सकता है और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा सक्रिय भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, सिर्फ स्कूल के बाहर और स्कूल की ढांचे को बनाने में मदद के अलावा। मैं अभी ये समुदाय के बारे में इतना ही बात करना चाहता हूं, तो मैं बाकी मसलों को और ले लूं या पहले इस पे बातचीत कर लें फिर आगे बढ़ें? प्रीति आप तय करिए। हाँ जी, आई थिंक पहले इस पे थोड़ी सी अगर चर्चा कर लेंगे सर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो मुझे श्योर है इनफैक्ट जो हमारे फील्ड वाले हैं जैसे रामचंद्र जी ऑलरेडी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास काफी कुछ होगा बोल शेयर करने के लिए। एक चीज सर जो आपने बहुत अच्छी बोली कि हमें समुदाय को कहीं ना कहीं चौकीदार नहीं हिस्सेदार समझना है, कि वो इक्वली पार्टिसिपेट करें और बच्चे की पढ़ाई में आगे बढ़े और उनके ज्ञान को, समुदाय के ज्ञान को भी किस तरह से हम सेंटर पे इन्वॉल्व करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बोली है। आई थिंक मैं रामचंद्र जी है और उसके बाद सादिक है जो बोलना चाहते हैं, तो हाँ जी रामचंद्र जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और बात कीजिए सर से। हाँ जी,
जी रामचंद्र जी बोलिए प्लीज। आई थिंक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो तब तक अगर सादिक आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून, हाँ जी बोलिए सादिक। आई थिंक रामचंद्र जी की और सादिक की दोनों की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा ट्राई करते रहिए। तब तक हम राहुल को ले लेते हैं, राहुल ने भी रेज हैंड किया हुआ है। हेलो, हाँ जी, यस मैम, हेलो हेलो, हाँ राहुल आपकी आवाज आ रही है। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते राहुल, बहुत अच्छा माने सेशन लगा सर आपका जो सुना, और थोड़ा कम्युनिटी के साथ काम किया था तो अपने आप को कनेक्ट कर रहा था सेशन से। जैसे जब शुरू में हम गवर्नमेंट स्कूल जाते थे विजिट के लिए, तो लड़कियां पानी लेकर आई, चाय लेकर आई, ये बहुत नॉर्मल लगता था। ये तो बचपन से इसी चीज में जिए थे तो नॉर्मल कंडीशन लगता था। जब हम लोग का एक डीप रिपोर्ट था वहां मैंने डिस्कस किया, मैंने डिस्कस हुआ तब समझे ये तो एक सोशल प्रॉब्लम है और एक सिंबल बन गया है कि लड़कियां ही पानी लेकर आए। इसको लेके फिर जब हमने टीचर प्रिंसिपल वगैरह से डिस्कस करते थे लार्ज सेशन में कि सर ऐसा हमने देखा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंस में कि लड़कियां यहाँ बहुत सीखी है, पानी अच्छा से लाती है, चाय भी बना लेती है, लेकिन ये लड़कियां को ही सिर्फ सीखने के लिए मौका क्यों मिले? ये लड़का को भी सीखना चाहिए था, वो भी अगर ये सब छोटी छोटी काम सीख ले अपने घर के लिए अपने जीवन में तो आगे वो बहुत अच्छा करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब डिस्कशन हुआ तो कुछ टीचर के अंदर ये चेंजिंग आए थे। तो ये डिस्कशन में बहुत फोकस करना होता है कि हम इन चीजों को निगेटिव टीचर को ना दिखाएं, अगर उनको हमें पॉजिटिव सेंस में दिखाते हैं तो हम चेंजिंग लाते हैं। दूसरा एक चीज शेयर करना चाहेंगे सर कि कम्युनिटी को जो जोड़ने की बात है, तो उसमें हमने अहमदाबाद गवर्नमेंट स्कूल के सब साथ जब काम कर रहे थे तो वहां कम्युनिटी में टायर ये सब बहुत सारे होते हैं, वो ट्रक के टायर, ठेला के टायर ये सब, तो उसको अगर हम लोग कलेक्ट करके फिर उसके लिए झुलुआ झुलुआ जो बच्चों के लिए गार्डन में बनवाए थे स्कूल गार्डन में, वहां देखे कि कम्युनिटी जो तोड़ने का डर टीचर हमको बता रहे थे उसको बचाने का काम कम्युनिटी करने लगा था कि कोई से नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था। तीसरा अगर हम बात करें सर इसमें थोड़ा सा, प्रीति मैम बहुत अच्छा टॉपिक है इसलिए हम टाइम ले रहे हैं, एक मिनट बोलिए बोलिए प्लीज। तो जब कम्युनिटी की जोड़ने की बात होती तो उसमें एजुकेशन पार्ट को अगर देखें तो ACL करके कॉन्सेप्ट है, सोशल इमोशनल लर्निंग, उसके ऊपर जब पूरा सेशन होता है 6 फैक्टर होते हैं उसमें, हम देखते हैं कि क्या क्या पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में जानते हैं। जब हम बात करते थे पेरेंट्स से पूछते थे कि आप बताओ कि आपके बच्चे के 3 दोस्त कौन कौन है, सबसे नजदीक किसके दोस्त पता नहीं, बच्चे के क्लास टीचर कौन है पता नहीं, आपके बच्चा का सबसे पसंदीदा सब्जी कौन सा है, कुछ तो ये सब चीज जब पूछते थे तो वो लगता था उनको कि ये जरूरी क्या है। हमने पूछा कि आपने अपने बच्चे को कितने बार गला लगा के शाबाशी दिया है, तो कहे सर ये तो बाहर बड़े बड़े टीवी में होता है, हम थोड़ी कर सकते। फिर कहते कि ये करने से क्या होगा कि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस उसके पूरे लाइफ में काम करेगा। ये नहीं कि ये आप जो छोटा से अभी से हैबिट डालिएगा उसको गला लगाना, उसको शाबाशी देना, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके पूरे लाइफ में ये कॉन्फिडेंस काम करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सर कम्युनिटी के अंदर काम किया, और अभी इम्पैक्ट में जब हम जब से कम्युनिटी अगर मीटिंग वगैरह में हम जाते हैं, एक शादी के साथ भी हम गए थे अजमेर अलवर की कम्युनिटी में, वहां हमने अपनी दादी का कहानी कम्युनिटी वाले को सुनाया, उन लोग जो मेंबर आए थे इतना पार्टिसिपेट किए कि फिर दादी लोग और कुछ जो महिलाएं थे वो अपने अपने कहानी सुनाने लगे। हम कहे एक कहानी आप अपने बच्चे को कितना दिन सुनाते, कभी आप शाम में टाइम निकाल के आधा घंटा, अगर एक कहानी जो है कि आपका जीवन का अनुभव आप 30 मिनट में 15 मिनट में बच्चे को बता सकते हो, और बच्चे भी आपके आगे आपके पास इसलिए बैठेंगे क्योंकि दादी से हमको कहानी सुननी है। तो ये सब छोटे छोटे काम अभी करके सर हम भी कम्युनिटी को जोड़ना चाह रहे हैं, और जो आपने बोला वो चौकीदार नहीं हमारे कैसे भागीदार बने, इस पर मेरा फोकस है। थैंक यू मैम। थैंक यू राहुल, बहुत अच्छी बात कही आपने।
बिल्कुल आई थिंक कुलदीप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे. थैंक यू राहुल. कुलदीप आप भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी मैम. जी सर नमस्कार सर. गुड आफ्टरनून. काफी अच्छा लगा सर ये सेशन. और कम्युनिटी को जो सर भागीदार बनाने की बात है सर, उसके लिए हमने भी हमारे सेंटर्स पे सेंटर मैनेजमेंट कमेटी बना रखी है सर, और उसमें ज्यादा महिलाओं को रखा हुआ है. और 15 लोग होते हैं, 8 महिलाएं हैं, 7 पुरुष होते हैं सर. तो हम इंश्योर करते हैं कि उसको कम्युनिटी इंगेजमेंट हम इंश्योर करें. लेकिन सर फील्ड पे जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, और इसमें सर जो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है सर हमारे लिए, वो ये रहता है कि सर कम्युनिटी मेंबर्स ये सोच के आते हैं कि शायद उनको मीटिंग में कुछ मिलेगा, या वो उनकी उम्मीदें एक्सपेक्टेशन उनकी इस तरह की होती है सर. तो बहुत सारी बार सर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है तो, क्योंकि हम उनको कुछ डायरेक्ट तो बेनिफिट दे नहीं रहे. उनको बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं जो कि उनको लॉन्ग टर्म आगे जाके बहुत हेल्प करेगी, बट उनको कम्युनिटी उनको लगता है कि हमको अभी क्या मिल रहा है, इमीडिएट गेन हमको क्या हो रहा है, वो उसी को केयर करते हैं सर. तो इसको सर कैसे हम लोग एड्रेस करें, कैसे सर इसको ओवरकम करें सर इसको? जी सर आप ये क्वेश्चन अब चाहेंगे? नहीं नहीं मैं सब ले लूंगा, एक बार सबको बोलने दीजिए ना. ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है. आई थिंक कोमल भी कुछ बोल सवाल. हाँ जी उत्तर तो नहीं देने वाला. हाँ जी कोमल बोल रही है, उसके बाद संदीप सर प्लीज. या श्योर. प्रीति इग्नोर माय रेज हैंड, गलती से हुआ. ओके ठीक है संदीप सर प्लीज. या गुड आफ्टरनून सर. मेरा एक एक प्रश्न था ये, क्योंकि मेरे को फीडबैक आ रहे हैं कि काफी कम्युनिटीज जो हैं, काफी विलेजेस में यू नो वेलकम नहीं हो रहा जब हमारे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे. एंड स्वाभाविक है उनके मन में भी शंकाएं होंगी. मेरा सिर्फ ये एक एक थोड़ा सा प्रश्न था, जहां जहां ये ऐसे रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो क्या एक स्ट्रेटजी, क्या एक एक चीज पक्ष हम सामने रख सकते हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन को हम हैंडल कर सके, ताकि हम प्रैक्टिकल जब हम हमारी टीम ने जाना शुरू कर दिया है तो जब उनके सामने ये आता है तो उसको कैसे टैकल किया जाए. धन्यवाद सर. सादिक और राहुल अगर कुछ कहना चाहते हैं तो. सादिक और रामचंद्र जी अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप चैट पे भी लिख सकते हैं. हेलो रिक्वेस्ट है कि पिन पॉइंट एकदम टू द पॉइंट सवाल पूछिए. पूछिए सादिक. हेलो अब आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है सादिक बोलो. सर गुड आफ्टरनून. तो सर मेरा ये कंसर्न ये था जो आपने शिक्षक की बात करी थी कि शिक्षक के की फेलियर का अगर ठीक रहा हम शिक्षक के ऊपर फोड़ देते हैं तो वो सही नहीं है. ये एक इंसान है और इसमें अच्छी बात भी होती है और गलत बात भी होती है जो सच्ची बात है. तो मेरा कंसर्न ये था सर कि अगर शिक्षक क्लासरूम में या हमारे सेंटर पे बच्चों को पढ़ा रहा है तो जो हमारा जिस कम्युनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो वो इतनी अवेयर नहीं है बच्चों के साथ काम करने के लिए. तो अभी राहुल ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो पुराने एजेड लोग हैं तो वो कुछ रोजमर्रा की कहानी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं तो जिससे उनका एक मोटिवेशनल पावर इम्प्रूव होगा. तो जो अनपढ़ पेरेंट्स हैं हमारे जो स्कूल का ये भी नहीं मालूम कि स्कूल हमारे गांव में है तो कितना डिस्टेंस पे है तो क्या वहां पे होता है, तो वो सिर्फ बच्चों को स्कूल में जो मिड डे मील होता है उसके पर्पज से भेजते हैं, तो वो पेरेंट्स बच्चों को घर पे पढ़ाई में क्या मदद कर सकते हैं जी? एक सवाल यहाँ पे चैट पे आ रहा है मीनाक्षी. मीनाक्षी का ओके ग्रेट. रामचंद्र कुछ कहना चाह रहे थे. रामचंद्र जी के साइड में ऑडियो का थोड़ा सा कंसर्न है तो अच्छा. रामचंद्र जी या तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए या हेलो आश्कर कुछ बोलना चाहते हैं. हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी रामचंद्र जी अब आ रही है आपकी आवाज. हाँ मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाह रहा था जो पिछले समय में मैंने देखा है. एक्चुअली मेरे साथ में 2-3 तरह के अलग अलग अनुभव रहे हैं. एक एरिया में मैंने जाकर के कम्युनिटी के साथ में बात की कि आप कितने बार स्कूल में जाते हैं,
और कितने बार हमारे सेंटर में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो किस प्रकार की आप बातें वहाँ करते हैं। तो मोस्टली लोगों का कहना था कि हम लोगों को टीचर बुलाता है कोई साइन करने के लिए, तभी हम स्कूल में जाते हैं, इसके अलावा हम स्कूल की तरफ कभी जाते नहीं हैं। और अगर वहाँ कोई बात करते भी हैं तो मोस्टली हम लोग बात करते हैं जो पोसार आया है वो कैसा बना है, वो रोज मिलता है कि नहीं मिलता, शिक्षा से संबंधित कोई बातचीत नहीं होती है। दूसरी जगह का जो मेरा अनुभव है वो हमारे जो सेंटर की टीचर है उसके बारे में मैंने कम्युनिटी के साथ में बात की कि आपके पास में हमारे टीचर आती है तो क्या बातचीत करती है। तो उनका कहना था, और खास तौर से महिलाओं का, कि टीचर आती है और आकर के हमको कुछ चीज़ें दिखाती है, और वो चीज़ें वो होती है जो हमारी बच्ची ने आपके सेंटर में किया है, चाहे वो उसने लर्निंग किया है या कुछ चित्रकारी की है या कुछ वहाँ पर क्रिएटिविटी के दौरान कुछ बनाया है। तो फिर मेरा पूछना ये था उनसे कि आपको कैसा लगता है जब ये सब चीज़ें हमारी टीचर आपको आकर के बताती है। तो उनका कहना सीधा सीधा ये था कि लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं हैं कि आगे जाकर के हमारी बच्ची नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। सीधा सीधा उनका मतलब है कि अगर हम बच्ची को पढ़ा रहे हैं तो उसका नौकरी लगना चाहिए, सरकार में उसका जॉब होना चाहिए, तो पढ़ाई का कोई फायदा है, वरना फायदा नहीं है। इस प्रकार की जो बातें निकल करके आती है, तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो हमें किस प्रकार से हमारा जो मानसिक विकास है, कॉग्निटिव विकास है, उसको बढ़ावा देती है, उसके बजाय अभी भी लोगों के मन में वही चीजें हैं कि अगर पढ़ लिख गए तो हमें गवर्नमेंट में कहीं अच्छा जॉब मिल जाएगा और हमें जो शारीरिक मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है रामचंद्र जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आई थिंक आश्कर कुछ बोल रहे थे, और आश्कर के बाद हम अमर जी का सवाल ले लेंगे। अमर जी को भी कुछ बोलना है और फिर आगे बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार। सर मेरा एक सवाल है कि हम लोगों ने दो प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से काम किया है। मैं थोड़ा सा पहले की बात करूंगा, जहां हम काम करते थे तो वहां कम्युनिटी का जो इंगेजमेंट था वो थ्रू सरकारी बॉडी होता था, मतलब वीडियो या वीडियो के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं उन चीजों को कम्युनिटी के बीच ले जाते थे, तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होता था, वो कहीं ना कहीं सरकार के डर से कि भाई सरकारी फरमान आया है तो इसलिए बच्चों को भी भेजना या हमको जो है मीटिंग में बैठना, वो अनिवार्य रूपता था। फिर हम दूसरे यहाँ बात कुछ होते हैं पर किसी भी प्रकार का अपनी साइड से वो प्रश्न नहीं करते हैं, हम लोग उनको जो बताते हैं उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो उनके हित की बात भी नहीं होती है, चाहे टाइम को लेकर चाहे किसी भी चीज को लेकर, तो कम्युनिटी के लोग अपनी साइड से प्रश्न नहीं करते हैं। और पूरे तरीके से, मतलब अगर मैं बोलूं तो मतलब पूरा मन से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो खाली समझते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग यहाँ बैठे हैं, उनको बुलाया गया है तो खाली अपना टाइम यहाँ थोड़ा दिया, उसके बाद जाके उनको मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अच्छे से या नहीं पढ़ रहे हैं। पर दूसरे प्रोग्राम में हमने ये फर्क देखा था कि जहाँ वीडियो इन सब के माध्यम से कम्युनिटी को बुलाया जाता था तो वहाँ वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, जो उनको काम किए जाते थे उनको ज्यादा वो महत्व देते थे, और जो बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के हैं उसमें इतना महत्व नहीं देते हैं। तो क्या डिफरेंस है सर ये? ठीक है आश्कर, शुक्रिया आपके प्रश्न के लिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए और शॉर्ट में पूछिए प्लीज। अमर जी आप कुछ बोलना चाहते थे? अच्छा जब अमर लाइन पे आ रहे हैं, अच्छा आ गए। सर मेरा एक कंसर्न था छोटा सा, कम्युनिटी को जो जोड़ने की बात हो रही है तो थोड़ा सा कम्युनिटी को गाइडेंस चाहिए होगा, टीचर शिक्षक या किसी की तरफ से। कम्युनिटी दो जगह पे जुड़ सकती है, या तो वो घर पे बच्चों के साथ शिक्षा को लेकर के, या जैसे अभी राहुल ने चर्चा की बात की कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं, अपना जीवन का अनुभव कुछ कह के सुन सकते हैं। तो कम्युनिटी का तो जुड़ाव बस घर पे ही बच्चों के साथ रहेगा, स्कूल में कैसे या लर्निंग सेंटर में कैसे कम्युनिटी को
इंगेज करें। और मेरे ख्याल इसी पे एक सवाल भी है कि यदि लर्निंग सेंटर में हम लोग इंगेज लर्निंग सेंटर में किसी तरह से यदि उनको इंगेज करना चाहते हैं तो क्या एक जो इस लर्निंग सेंटर और स्कूल में एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए तो उस पर तो कहीं परेशानी नहीं। ठीक है आई थिंक एक फरहान का लास्ट ले लेते हैं। जरूर ले लीजिए, मतलब मैं तो फिर भी आ जाऊंगा ना, मतलब मेरी आवाज इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो सवाल सुनना चाहता हूँ। हाँ फरहान जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं अगर बहुत शॉर्ट में बात करूं, जैसे राहुल ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और जैसे अमर सर ने अभी सवाल किया, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वास्तव में कम्युनिटी का इंगेजमेंट नहीं चाहते हैं। जैसे मैं अपने अनुभव की बात करूं तो इससे पहले जहां हम काम कर रहे थे, ये मेरा राजस्थान का ही एक्सपीरियंस है कि हम जो है वहाँ सीएमसी को थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे, हमने मीटिंग वगैरह किया तो अचानक जो है अगले दिन वो सारे लोग जो है स्कूल में जाते हैं और बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा करते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, फिर वो जो है स्कूल वगैरह से हमसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप या तो हमारे स्कूल में ना आए या तो कम्युनिटी में ना जाए। मतलब इस तरह की चीजें होती हैं कभी कभी कि मतलब यह है कि हम वास्तव और जो है मैंने जो 3-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम हमेशा जो है हर टीचर यही चाहता है कि वो जो है कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ जो है वो इतना ही इंगेज करें कि वो जो है उनसे हाय हेलो हो जाए और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वह स्कूल में आ जाए और जो है कभी कभी किसी खास मौके पर आ करके हम उनसे साइन करवा सके। बस इतना ही लोग इंगेजमेंट चाहते हैं, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट हमारी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है लो इंगेजमेंट की वजह, शायद आप अपने एक्सपीरियंस को रख करके ज्यादा बता पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू फरहान। आई थिंक एक वेस्ट बंगाल से भी हमारे साथी उस साइड से भी एक सवाल ले लेते हैं। रजनी आप कुछ बोलना चाहते हैं? रजनीकांत। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रजनीकांत साहू है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सर मैं बहुत दिनों से इम्पैक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा एक ही सवाल है छोटा सा। बस हम बहुत सारे लेवल के कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं वहाँ पे कुछ अलग सिनेरियो हो जाता है। वहाँ पे कुछ जगह ऐसा मिलता है हमें बार बार बोलने पर भी कुछ लोग ऐसे हैं कम्युनिटी वाले जो कि अपने ज्यादातर करके पेरेंट्स वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाते इसका इम्पोर्टेंट क्या है उनके लाइफ में। तो इसके लिए हम क्या करें कि कैसे उनको समझाएं कि वो ज्यादा थोड़ा इसके बारे में वो खुद अवेयर है वो, कि उनके बच्चों को उसके बारे में गाइड कर सके। यही सवाल है सर मेरा कि उनको हम कैसे और ज्यादा तरीके से उनको इसके इम्पोर्टेंट के बारे में समझा सके। ठीक है रजनी, स्पेशली आप जो ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आई थिंक सर किसी और को कुछ बोलना है या हम आगे बढ़ सकते हैं टीम? आई थिंक प्लीज हैंड बोलना है। जी अभिमन्यु जी बोलिए बोलिए। तो सर काफी गुड आफ्टरनून सर, काफी लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए तो मेरे भी कुछ थॉट्स हैं सर, थोड़ा उसको क्लियर कीजिएगा। हमें लगता है कि अगर हम समुदाय की भागीदारी अगर चाहते हैं स्कूल के साथ या फिर अपने एलसी के साथ, तो हमें संचार और माता पिता की साझेदारी और जो अपना एलसी हो या फिर विद्यालय जो स्कूल है उसकी संस्कृति और समुदाय के सहयोग करने की भावना, ये चार चीजों पे फोकस करना होगा। अगर थोड़ा टाइम हो तो मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूं। आप करिए मेरी तरफ से। जैसे संचार की बात करते हैं तो माता पिता स्कूल के कर्मचारी जो शिक्षक हैं या फिर और भी जो कर्मचारी है उनके साथ तो कैसे संचार करते हैं, क्या उनका जो बातचीत कर रहे हैं वो सहज है बातचीत करने का तरीका, या फिर जो स्कूल है वो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं लोकल और वहाँ के जो स्थानीय जो भी बातचीत करने का जो तरीका है तो क्या उनके बातचीत करने का जो पसंदीदा तरीका है क्या उससे वो सहज है, क्या वैसे वो बात कर पा रहे हैं, वैसे वो कनेक्ट हो पा रहे हैं उनसे। और दूसरा अगर माता पिता की साझेदारी की बात करें तो हमें उन्हें बताना होगा, इसके लिए
उनकी जो माता पिता की जो मान्यता है, अपेक्षा है छात्र से, तो शिक्षक को पूर्ति करना होगा। और इसी के माध्यम से उन्हें जब वो पीटीएम मीटिंग वगैरह जब कर रहे हैं तो उन्हें ये भी दिखाना होगा कि शिक्षा जो है वो सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है, हमें उन घर तक लेकर के जाना है। क्योंकि जो विद्यालय जो है अगर हम पूरा डिवाइड करें तो विद्यालय में बच्चे 1/3 टाइम तक रहते हैं, बाकी के समय वो घर पे ही रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। और समुदाय के सहयोग के अगर भावना की बात करें कि वो कैसे सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, तो समुदाय को भी ये समझना होगा कि स्कूल जो है अलग नहीं है, वो समुदाय का ही एक केंद्र है। और समुदाय के सदस्यों को स्कूल के साथ मिलकर के काम करने का स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। और छात्रों के सीखने स्कूल में आने सीखने में सक्षम होने के लिए उनकी क्षमता जो है, उनकी स्थानीय जो उपस्थिति है किसी बुद्धिजीवी वर्ग का, वो सुनिश्चित कराना चाहिए। और विद्यालयों का ऐसा कल्चर हो, अगर विद्यालय संस्कृति की बात करें तो ऐसा कल्चर हो, एलसी हो, अगर हम अपने इम्पैक्ट की बात करें तो एलसी का ऐसा कल्चर हो, या फिर विद्यालय की बात करें तो उसका ऐसा कल्चर हो कि वो समुदाय जितने भी सोसाइटी के जो बच्चे बच्चियां आ रही हैं कक्षा में, वो हर एक के जो मुख्य है, जो उनकी भावना है, वो सबको महत्व रखता हो और उनकी अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की सबकी सराहना करता हो और महत्व देता हो। क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं बच्चे घर पे बताते हैं, बच्चियां घर पे बताती हैं, और वहां से अगर वो मतलब उनको महत्व नहीं मिलता है तो अलगाव बनता है, दूरी बनता है। तो कहीं कहीं हमें देखने को भी स्कूल में मिलता है कि किसी खास कम्युनिटी के लोगों का ज्यादा वहां पे आना जाना लगा रहता है और किसी कम्युनिटी के लोगों का आना जाना नहीं लगा रहता है। और कुछ लोग ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कभी कभी रोल क्या हो जाता है समुदाय के साथ, रिमाइंडर देने वाला। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे देखते हैं हम कि समुदाय को पता है, माता पिता को पता है कि हमें अपने बच्चियों के साथ बैठना है आधे घंटे, एक घंटा हमें डेली उनके साथ उनके लिए खास समय देना है, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं। जब हम उनसे बात करते तो बताते हैं कि हाँ पता है, लेकिन दे नहीं रहे। तो कहीं कहीं हमारा रोल वो हनुमान और जामवंत वाला हो जाता है, हम उन्हें रिमाइंडर दे, उन्हें याद दिलाएं कि आपका ये दायित्व है। ठीक है अभिमन्यु, आई थिंक बहुत आपने अच्छा सवाल भी पूछा और उसके बारे में बोला भी। अब मैं सर को बोलूंगी, हाडी सर, इट्स ओवर टू यू नाउ सर, प्लीज। तो देखिए, आप लोगों ने ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, तो मेरा तो पहला काम तो हो गया, वो था आपके दिमाग में सवाल पैदा करना कि कम्युनिटी के साथ काम करने का मतलब क्या है। और अभिमन्यु ने जो बहुत बातें कही हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। सवाल ये है अभिमन्यु, इनके बारे में अगर सोचें और ये अपने वहाँ पे कैसे इनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, इसके बारे में रास्ता सोचें। तो और बाकी लोग भी उस चीज़ को बनाने में कोशिश करेंगे, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिस वजह जिससे ये संभव हो पाएगा, तो उससे बहुत फायदा होगा। जैसे सबसे बड़ा मसला तो ये है कि माता पिता शिक्षा के बारे में और बचपन के बारे में क्या समझते हैं। हम लोग ये तो कह रहे हैं कि उनसे हम आग्रह करते हैं कि बच्चों के साथ आधा घंटा बिता रही है, पर मुझे मालूम नहीं हम लोग कितना अपने बच्चों के साथ समय बिता पाते हैं। मुझे तो याद है, मेरे पिताजी तो मेरे साथ बिल्कुल समय नहीं बिताते थे। और बचपन की जो पूरी भारतीय समझ है, विदेशों की समझ में भी कुछ परेशानी होगी, लेकिन भारतीय समझ में जो बचपन की समझ है, उस समझ में बच्चों का और माता पिता का साथ खेलना शामिल नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब हम समुदाय के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या हम पहले अपने घरों में अपने बच्चों के आसपास के बच्चों के साथ इस चीज को पहले करके देख सके कि बच्चों के साथ किस तरह से हम ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिसपे उनको ये ना लगे कि हम उनके ऊपर कुछ थोप रहे हैं, या जो प्रक्रिया हो रही है वो उनको ज्ञान देने की हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें पहले अगर हम कुछ आगे बढ़ेंगे तो ही हम और लोगों से बातचीत कर पाते हैं, उनको हम उस तरह के रास्ते उनके यहाँ भी दिख पाएंगे, उनके बच्चों के साथ भी हम उस तरह से बातचीत कर पाएंगे जिससे उनको भी लगे कि हाँ ये तो वो भी कर सकते हैं।
क्योंकि बचपन की समझ जो हमारे समाज में है वो उस समय से है जब समुदाय जो है वो एकत्रित समाज था, वो एक पूरा बड़े समूह में था, तो हर उम्र के बच्चे साथ साथ रहते थे, तो उसमें बच्चों को आपस में बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारे सीखने के मौके मिल जाते थे, और बड़े लोगों को भी आपस में इंटरेक्ट करने के बहुत मौके मिल जाते थे। अभी जब हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें परिवार थोड़े अलग अलग पड़ गए हैं, तो बच्चों को भी उस तरह के विविध तरह के साथी नहीं मिलते जो उनको अलग अलग अनुभव के स्तर पे हों और जो उनको उस तरह से वो अपने आसपास के जीवन के बारे में जो, और जो भी हम चाहते हैं वैल्यूएबल उनके लिए सीखने में, उसको सिखाना सिखा पाए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ज्ञान का अर्थ क्या है। और इस बात इसमें जो बहुत सारे लोगों ने कहा भी, कई लोगों ने उदाहरण दिया कि भाई पेरेंट्स को ये लगता है कि स्कूल में उनका काम सिर्फ जब शिक्षक बुलाए तभी है, और वहां जो होता है वो उनके खुद के ज्ञान क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। और ये जो मुझे लगता है हमारे देश की शिक्षा की सबसे बड़ी, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी, जिसके बारे में भी बिहार साहब ने बात की थी कि ये जो शिक्षा को हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क में देखा, उसको बिल्कुल ही परिवार की शिक्षा से अलग कर दिया, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है बच्चों के लिए और पूरे समाज के साथ, क्योंकि उसमें जो शिक्षा है वो परिवार के लिए ऐसी चीज है जो उनके जीवन के से जुड़ी नहीं है, और उसका एकमात्र लक्ष्य यह हो सकता है कि उससे उसको मेहनत करके बच्चा कोई नौकरी पा ले, क्यों उनको लगता है कि अगर यहाँ रहेगा तो हम उसको मिट्टी से बर्तन बनाना ज्यादा बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं, हल चलाना बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं, बकरी चलाना बेहतर ढंग से, गाय का दूध निकालना, फसल बोना, सब चीजें बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं, लेकिन अगर उसको स्कूल भेजना है तो ये सब तो वो नहीं सीख सकता। तो स्कूल में फिर अगर जो सिखा रहे हैं उससे वही उसका एक तरह से अगर प्रोफेशन बनेगा तभी वो सार्थक है। तो हमने एक तरह से जो मैकॉले ने किया और जो स्कूली शिक्षा ने किया कि उनका लक्ष्य ये नहीं था कि सभी शिक्षित हों, उनका लक्ष्य ये था कि जो इकोनॉमी में जितने लोग हमें चाहिए काम करने के लिए उतने लोगों को हम पढ़ा लिखा लें ताकि वो उस काम को कर पाए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य हमने बदल दिया है, हमने ये माना है कि शिक्षा लोकतांत्रिक समाज में जीने का, आगे बढ़ने का साधन है। वो चीज लेकिन हमारी स्कूली व्यवस्था में आई नहीं है ना, क्योंकि पाठ्यक्रम तो अभी भी वही है कि आपको हमें तैयार करना है जिससे कि आप ग्रेजुएट बन सके और ग्रेजुएट करके बीएड करके कोई परीक्षाएं दे सके, पूरा एम्फेसिस उसी पे है, चाहे वो इंजीनियरिंग बनने का हो, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो, चाहे वो आईएएस बनने का हो, और वो ना बन पाओ तो कुछ और बन जाओ। या फिर अभी जो निचले स्तर पे काम है कि कॉल सेंटर में ऑपरेटर बनना है तो अंग्रेजी सीख ले, तो कभी भी हमने शिक्षा को इन दायरों से बाहर नहीं देखा, जबकि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन को बदल सकें। तो इसलिए भी मैं बात कह रहा हूं कि अपने सेंटर्स पे अगर हम ये कहें कि कोई महिला आके ये बताए कि जो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो वो घर में करती है वो क्यों करती है और उसके करने में क्या क्या तरीके हैं, उसमें फिर अनुपात का हिस्सा, उसमें भाषा का हिस्सा, उसको अपने शब्दों में लिखना जो उन्होंने बताया, ये सब चीजें जो हैं वो एक तरफ से तो उनको उस ज्ञान से जोड़ेंगी जिस ज्ञान से वो बच्चे, जिससे फायदा होगा उनको। दूसरा जो हमारा पूरा प्रयास है कि जो जीवन में वो कर रहे हैं उसमें कुछ नई चीज कर पाए, वो लक्ष्मी पूरा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम इस ढंग से सोचें कि एक बढ़ई स्कूल में क्या पढ़ा सकता है, कुम्हार स्कूल में क्या पढ़ा सकता है, और शिक्षक कैसे उसके पढ़ाए हुए से पढ़ने लिखने को जोड़ सकता है, तो वो मुझे लगता है रास्ते में सही प्रक्रिया होगी। अब मिट्टी को भिगोने में किस अलग अलग चीजों के लिए कितना विज्ञान लगता है इसका हमें अंदाजा नहीं,
लेकिन उसको हमने कभी विज्ञान की तरह देखा नहीं है। रोटी के बनाने में, दाल के बनाने में कितना पानी डालेगा, किस दाल में कितना पानी, किस तरह की आग पे किस तरह की चीज करने की जरूरत है, ये सब जो है एक्चुअली ज्ञान के विषय है, लेकिन इनको हमने ज्ञान का विषय नहीं समझा। तो जाहिर है माता पिता के लिए वो बच्चे से गणित के बारे में तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि उनको वो गणित आता नहीं है। तो ये भी सवाल ठीक है कि क्योंकि शिक्षा इतनी विलग है तो अनपढ़ माता पिता तो क्या कर सकेगा, लेकिन अगर शिक्षा का जो मसौदा है वो बच्चे के जीवन से जुड़ा हो, जो कि हो सकता है, कोई भी पाठ्य पुस्तक ये नहीं कहती कि आपको आपका लक्ष्य सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है, पांचवी तक तो ये लक्ष्य है कि बच्चा पढ़ना लिखना सीख ले, और वो अगर अपने ज्ञान से लिखना पढ़ना लिखना सीखे, अपने समुदाय के ज्ञान से पढ़ना लिखना सीखे, तो उसके लिए ज्यादा सार्थक है। वो क्यों लिखे, क्यों किसी कविता को कॉपी करे, वो क्यों नहीं अपने जीवन के अनुभव को अपने घर में माँ से बात करके कि वो आटा कैसे गूंथती है उसको लिख के लाए कि उसकी माँ आटा कैसे गूंथती है, सब्जी कैसे काटती है। तो मुझे लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा, अपने सेंटर्स में तो हम ये कर सकते हैं शुरू, लेकिन ये डायलॉग शिक्षक से भी करना पड़ेगा। दूसरा एक जो बात जो आप और सवाल है कि आमतौर पे शिक्षक और पालक अपने आप को विरोधियों के रूप में पाते हैं, इसका ये कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो शिक्षक और पालकों की पृष्ठभूमि बहुत फर्क है। शिक्षक जो है सरकारी नुमाइंदा है, पढ़ा लिखा है, और अब तो सारे शिक्षक मध्यम वर्गीय है, और पालक जो है वो जाति में, सरकारी स्कूल के जाति में, आर्थिक स्थिति में, हर दृष्टि से शिक्षक से अपने आप को बौना पाते हैं, और शिक्षक का कोई ये प्रयोजन नहीं है कि वो उनको अपने बराबर अपने समकक्ष बनाए। और इसीलिए जब आप एसएमसी बनाते हैं और लोगों के मन में कुछ इकट्ठे होने की भावना आती है तो उनका पहला ये होता है कि जाके इसकी हेगड़ी निकाल दो। तो वो टकराव जो पहले से ही है, वो टकराव एसएमसी बना के उनको अवेयर करने से, उनको अपने अधिकार देने से, बताने से नहीं जाए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें शिक्षक और पालक मिलके बच्चों के लिए कुछ करें, चाहे वो बच्चों के लिए मेला हो, जिसमें आप चाहे वो शिक्षकों को पालक मिलके शिक्षकों का सम्मान करें, उनके बारे उनके उसका उन कामों के बारे में बात करें जो वो अच्छे से कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है जिसमें, और पालकों को ये जब तक मिल्कियत नहीं लगेगी स्कूल पे, स्कूल की प्रक्रिया पे, तब तक उनको यही लगेगा कि कोई भी मीटिंग जो कर रहे हैं उसमें उनको आने का भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि भत्ता देते हैं, लोगों ने देना शुरू किया है, क्योंकि हमने माना ही नहीं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे, उनको इस बीच में कोई रुचि होगी कि बच्चे शिक्षित हों, उनके उनके बच्चे पढ़ना लिखना सीखें, कुछ करें। हम लोगों को समय हमेशा यही लगा कि ये बेचारे ये तो अनपढ़ है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको हमें ज्ञान देना है, इनको बताना है, और चूंकि मूर्ख हैं इसलिए जब तक इनको कुछ प्रलोभन नहीं देंगे तब तक ये कुछ करेंगे नहीं, मीटिंग में नहीं आएंगे, कुछ बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, तो चलो प्रलोभन दो। तो इस पूरी मसले से तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, और तभी हम कर पाएंगे जब हमारी खुद की ज्ञान के बारे में, समुदाय की भूमिका के बारे में, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में एक बदलती हुई समझ होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ स्पष्ट समझ होगी, मेरी भी समझ स्पष्ट नहीं है, ये समझ आपकी करते करते ही स्पष्ट होगी, और इसमें हर 6 महीने में बदलाव होगा, लेकिन इसको करते करते ही बदलाव होगा। ये शिक्षा को प्राप्त ज्ञान के हस्तांतरण के रूप में देखने से हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। वो तभी हासिल होगा जब आप शिक्षा के लक्ष्यों को, शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को, शिक्षा के अर्थ को फर्क दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। उसको जैसा अभी हम देखते हैं कि पूरा एम्फेसिस ये है कि मेरा बच्चा किस तरह से बगल वाले बच्चे से 0.1% ज्यादा नंबर ले आए,
ताकि उसका सिलेक्शन पहले हो जाए, उसका हो जाए तो हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मेरे बच्चे का ना हुआ तो बहुत हानि हो, लेकिन इससे 0.1% मेरा बच्चा बगल वाले के ज्यादा ले आए। तो मध्यम वर्ग ने ये जो बात कल बिहार साहब ने कही थी कि नहीं, मैं कल सुना वैसे, पहले कही थी कि शिक्षा का पूरा जो खराब करने का जो दायित्व है वो उन लोगों पे है जो प्रभावशील हैं, क्योंकि उन्होंने ही शिक्षा को निर्धारित किया है, और उन्होंने शिक्षा को इस तरह से निर्धारित किया है कि उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है नीट की परीक्षा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया IAS की परीक्षा, तो बाकी चीज तो सब बाकी सब चीजें तो गॉन हो गई है ना। तो वही चीज हम अब चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर पे गांव में बच्चा, वही चीज हम ट्रैक करें कि भाई उसका जो लर्निंग लेवल्स क्या हो गए हैं, ताकि वो हम ये आंक पाए कि वो नीट की तैयारी के लिए कितना सक्षम है, लेकिन नीट तक तो उसको पहुंचना ही नहीं है, उसके लिए तो हमने कोई ना तो प्रावधान बनाए हैं ना हम उस तरह की मदद वैसी कर सकेंगे और करना चाहते हैं, तो फिर उससे जो जीवन उसके पास है उसको क्यों छीनना चाहते। तो मैं ये बड़ा सवाल उठा रहा हूँ, बिहार साहब इसी को इंगित कर रहे थे, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमें इस बात के प्रति सचेत होना चाहिए कि हम बच्चों की जिंदगी में इस तरह की मदद करें जिससे कि वो अपनी जिंदगी जीने को ज्यादा सक्षम हो पाए, उनको अपने समाज से विलग करके बिल्कुल आइसोलेट कर देने से उनका भी और समाज का भी फायदा नहीं होगा। और इसी चीज को पूरा अभी पूरी स्कूल में जाने वाले बच्चे और उनके पालक रिजिस्ट कर रहे हैं कि हमें ये शिक्षा जो आप दे रहे हैं ये हमसे मेल नहीं खाती। उनको वो कहते हैं अच्छा चलो अंग्रेजी पढ़ा दो तो शायद कॉल सेंटर में, लेकिन कॉल सेंटर में भी नियमित संख्या में लोग जाएंगे, उसमें भी जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा वही लोग भेज पाएंगे जो सक्षम है, जिनके पास नियमित नौकरी है, जो बच्चों को ट्यूशन करा सकते हैं, जो बच्चों को एक्स्ट्रा कविताएं और कहानियां सुनवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा का ध्येय है, शिक्षा का लक्ष्य है, इसको वास्तव में जमीन पे उतारने में क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम समझते हैं। पहली बात तो ये कि शिक्षक इसको नहीं समझते, दूसरी पाठ्यक्रम निर्माता पाठ्य पुस्तक लेखक नहीं समझते, प्रशासन नहीं समझता उसको, समुदाय को अभी पता नहीं है कि ये फायदा हो सकता है शिक्षा को, हमें भी पता नहीं है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसमें शुरुआत करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको शुरू किए बगैर इम्पैक्ट कोई भी इम्पैक्ट दे पाए, चाहे वो मतलब आई इम्पैक्ट यही है ना कि हम इम्पैक्ट दिखाएंगे। तो मुझे लगता है लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा का मसला ये होगा जब हम शिक्षा के ध्येय को में जो महिलाओं का कार्य है उसके महत्व को स्थापित कर पाएंगे और लड़कों को और शिक्षकों को पुरुष शिक्षकों को बाध्य करेंगे कि वो भी सीखे उसे। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा समुदाय का मसला है इसको इस दृष्टि से देखना जरूरी है कि वो ज्ञान के साथ, ज्ञान के सृजन के साथ, हमारी बचपन की समझ के साथ, हमारी ज्ञान की समझ के साथ और उसकी संरचना के साथ जुड़ा है। तो मुझे मालूम नहीं मैंने सभी सवालों का जवाब दिया है कि नहीं दिया है, पर मेरे ख्याल से अभी इतना ही कह सकता हूँ। अब सेकेंड राउंड में कभी और मौका होगा तो और ज्यादा सवालों में बात कर सकेंगे अगर होगी। एक जो और सवाल इसमें आया था वो माइग्रेंट बच्चों के बारे में था, मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अपने आप में एक अलग बड़ा मसला है। अभी हमने हाल में ही देखा है कि हमारे पूरे समाज ने, हमारी सरकारों ने प्रवासियों के साथ इतना बुरा सलूक किया है और हम सबका सिर उसकी वजह से शर्म से देश में झुक गया है, तो वो एक ज्यादा बड़ा मसला है और उस मसले के ऊपर हम इस दृष्टि से अभी बात नहीं कर सकते कि क्योंकि वो बहुत सारे और मसलों के साथ जुड़ा है। पर ये जरूर है कि अगर माता पिता की शिक्षा में कुछ भूमिका होगी तो हो सकता है जब वो प्रवास करके जाएं तो उस भूमिका के कारण, उस टेक के कारण कुछ प्रोसेस जारी रह पाए, लेकिन अगर शिक्षा घर से माता पिता से विलग
स्कूल और शिक्षा के दायरे में ही बंधी रहेगी तो वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। हमने अभी तक जो बात की है वो ये बात की है कि शिक्षा को स्कूल तक जाना चाहिए, घर तक जाना का चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ घर की शिक्षा को स्कूल की शिक्षा पर का अंतरंग हिस्सा बनकर उसको प्रभावित करना चाहिए। दोनों में जब तक हम घर की शिक्षा, घर के ज्ञान को स्कूल में जगह नहीं देंगे और प्रभावी जगह नहीं देंगे, हाथ से काम करने को इज्जतदार काम नहीं मानेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। आगे चलूं मैं? जी सर बिल्कुल। एक मुझे लगता है और कई और सवाल थे लेकिन एक सवाल था क्या कोई सार्वभौमिक तरीका है शिक्षित करने का लोगों को, कोई यूनिवर्सल मेथड ऑफ टीचिंग है? तो ये बड़ा प्रश्न इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत बड़ी बड़ा उद्योग है वो तरीके बनाता है, TLM बनाता है, वर्कशीट बनाता है और उनको बच्चों को और शिक्षक को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानता है कि ये सामग्री ले लो, ये गतिविधि ले लो, ये वर्कशीट ले लो और आप सीख जाओ। मुझे लगा कि जो सुवीर ने बात कही थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी थी। मुझे मालूम नहीं आपको, आपने ये बात देखा होगा कि सुवीर ने जो भी सवाल पूछा उसका उत्तर उसको अच्छे से मालूम नहीं था, या कम से कम ऐसा तो नहीं था उसके पास जो उत्तर था वो ऐसा था जो आप सबके उत्तर से बेहतर उत्तर हो, या ऐसा भी नहीं था कि उसका कोई एक ही उत्तर हो जिसको सही मान सके। और मुझे मालूम नहीं आपने उस चर्चा में क्या सीखा लेकिन मुझे यकीन है उसने बहुत कुछ सीखा होगा क्योंकि आप सबने जिस तरह के वाक्य बनाए हो सकता है उसने पहले कभी सुने ही ना हो। तो सीखने की प्रक्रिया वही है जिसमें सिखाने वाला भी कुछ सीखे, और अगर सिखाने वाला कुछ सीख रहा है और सिखाने वाले अलग अलग हैं तो कोई भी सार्वभौमिक तरीका नहीं हो सकता क्योंकि हर सिखाने वाला उस जगह से शुरू कर सकेगा जो उसको आता है और जो उसको सीखना है। कुछ हम मोटे सिद्धांत मान सकते हैं जिनका कुछ जिक्र सुवीर ने किया भी था लेकिन ये सिद्धांत हर जगह पूरी तरह से वैसे के वैसे लागू करने वाले नहीं है जैसे कि सरकार के नियम है। हालांकि सरकार के नियमों में भी लोग बहुत निकाल लेते हैं लेकिन इन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है कि इनके निहितार्थ क्या हैं और उनको इस्तेमाल करना लचीले ढंग से बहुत आवश्यक है। तो मैं अगर ये आपसे बात कर रहा हूं अभी, हमने अभी कम्युनिटी के बारे में बात की, अगर ये मैं एक दूसरे समूह से बात करूं तो क्या यही सवाल आएंगे जो आप लोगों ने पूछे? ये सवाल नहीं आएंगे ना। तो उसके बाद जो मुझे जवाब देना है वो मुझे ही देना है ना, वो कहीं से पढ़ के तो नहीं आ सकता। तो कोई भी ऐसा तरीका जो यूनिवर्सल है जो किसी ने बताया है उसका शिक्षक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो सीखने की सिखाने की प्रक्रिया है वो उस अंतःक्रिया में ही गढ़ी जाती है जिस जहां पे वो हो रही है, चाहे कोई पालक बच्चों से बातचीत कर रहा हो, चाहे कोई कुम्हार अपने शागिर्दों को मिट्टी घोलना सिखा रहा हो या चाक कैसे चलाना ये सिखा रहा हो, या कोई माँ अपने बेटों को रोटी बेलना सिखा रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हर एक उसमें जो सिखाने वाला है उसी ढंग से शुरू करेगा जिस ढंग से वो उसे सिखाने में सक्षम है, जिस ढंग से वो समझता है। तो इसका मतलब ये है कि सिखाने का अर्थ, मतलब ये अर्थ ये है सीखना, और अगर सिखाने का अर्थ सीखना भी है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी यूनिवर्सल तरीका नहीं हो सकता सिखाने।
मैं अभी इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, इस पर और कोई सवाल होगा तो अपन बात कर सकेंगे, पर मुझे लगता है कि इसलिए आप इससे ये मत समझें कि आप जो वर्कशीट बना रहे हैं वो बेकार हो गई, आप जो गतिविधि सोच रहे हैं वो बेकार है, वो सब जरूरी है, वो एक लिए एक तरफ से तो आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप उससे अपने ज्ञान को सक्षम कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब आप किसी चीज के बारे में सोचे तो नई गतिविधि सोचे। सुमीर ने आपको दो तीन बताई भाषा के बारे में, एक दो बताए विज्ञान के बारे में, मुझे मालूम नहीं आपने सोचा कि नहीं सोचा कि वो जो कागज का हेलीकॉप्टर है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, या उसका उसकी गिरने की गति को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसका किस किस चीज से लेना देना है, मुझे मालूम नहीं आपके बारे आपने उसके बारे में क्या सोचा, लेकिन मैं तो कल देखा कल से सोच रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज शामिल है, और मैं अब उसके ऊपर जब आगे सोचूंगा तो फिर उस सवाल से जो मैं भौतिक शास्त्र सीखूंगा वो भौतिक शास्त्र उस भौतिक शास्त्र से फर्क है जो भौतिक शास्त्र में पहले से जानता। तो लेकिन सुबीर जिस तरह से उस पर चर्चा करेगा उस तरह से मैं नहीं कर सकता, और मैं जिस तरह से कर सकता हूं क्योंकि मेरे को भौतिक शास्त्र का वो ज्ञान है जो शायद सुबीर को नहीं है, तो वो जिस तरह से उसमें चर्चा कर सकते हैं वो फर्क है। तो कोई भी चीज जो हम जानते हैं वो सिखाने का मसौदा बन सकती है, बनिस्पत हम उसमें वो खुलापन छोड़ें जिससे कि सीखने वाला उसमें अपनी बात को जोड़ सके। अक्सर सिखाने को हम ये समझते हैं कि एक ऐसा नीट सा हमें एक्सप्लेनेशन देना है जिससे कि सारे सवालों का जवाब बच्चे को मिल जाए, बच्चा निरुत्तर हो जाए, बच्चे की जिज्ञासा शांत हो जाए। मुझे लगता है ये सबसे गलत शिक्षा है। शिक्षा वो है जो नए सवालों को जन्म दे, बच्चे को नए ढंग से सोचने को मजबूर करे, उसके दिमाग में सोचने के ढांचे के नए नए रास्ते खोले। तो वो काम तो आप कोई भी उसके लिए सार्वभौमिक तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का सोचने का ढंग अलग हो। गणित की कक्षा कई बार इसलिए मुश्किल हो जाती है, इस बार बोझल हो जाती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जिस ढंग से हमने सवाल को हल किया है जो हमें बहुत सरल और नीट लगता है उसको हम बच्चों को समझा सकें। बच्चे के सामने दो समस्याएं हो जाती है उसमें, एक तो उसका खुद का जो सोच है उसको छोड़ के वो आपके लॉजिक का ट्रेल समझने की कोशिश करता है, तो उस लॉजिक के ट्रेल में घुसना उसके लिए मुश्किल है, और दूसरा वो सवाल तो अपने आप में मुश्किल है। तो इसलिए मुझे सिर्फ ये कहना था कि यूनिवर्सल मेथड ऑफ टीचिंग तो नहीं हो सकता। एक और सवाल ले लूंगा फिर मैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है दानदाताओं के बारे में, इसको मैं कोशिश करूंगा एड्रेस करने की, हालांकि मैं इसको जानता नहीं। दो चीजें और मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये बात है कि कुछ पुराने तरीके हैं कुछ नए तरीके हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा का कोई पुराना और नया तरीका नहीं, शिक्षा का एक ही तरीका है, और वो है सीखने वाले का एक व्यस्क जानने वाले से और अपने आप से संवाद। जब तक वो संवाद नहीं होगा और वो अपने ज्ञान को के साथ उस संवाद में नहीं जोड़ पाएगा, चाहे वो सिखाने वाले के साथ हो, चाहे वो पुस्तक के साथ हो, चाहे वो उस प्रयोग के और गतिविधि के साथ हो जिस गतिविधि और प्रयोग को वो कर रहा है, तो कोई शिक्षण नहीं हो सकता। तो यह तरीका किसी भी ढंग से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मैं पिछले 15 मिनट से भाषण दे रहा हूँ आप लोग, और हम लोग अक्सर कहते हैं कि चौक एंड टॉक इज द वर्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा हूं इसको करने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हर चीज को उछल कूद करके नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि कोई भी अच्छी चीज
कोई भी सार्थक चीज, कोई भी गहरी चीज उछल कूद से नहीं आती। तो नए तरीके मात्र एक साधन है, उनको साध्य मत मान लीजिए। सामग्री है, गतिविधि है, वो साधन है, मजा है, साधन है। सुवीर ने भी ये बात कही थी हल्के से, मैं इसको और ज्यादा गंभीरता से कह रहा हूं। असली बात सुवीर ने शुरू ही नहीं की, वो बात ये है कि जब हम इस पंखे को गिराते हैं तो ये क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, और उस पे फिर विवेचन करना, जिसमें बोर्ड का इस्तेमाल होगा, चौक का इस्तेमाल होगा, जिसमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज घूमने का क्या अर्थ होता है, दबाव का क्या अर्थ होता है, दोनों पंखों की जो ऊंचाई है उसका जो एंगल है उसका क्या असर पड़ सकता है, इस पे एंगल का क्या अर्थ होता है। तो ये सब चीजें ठोस रूप से समझनी पड़ेंगी, तभी आप वहां तक पहुंच सकेंगे। इसी तरह से जो हमने वाक्य बनाने की बात की थी, उस वाक्य में भी जब हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सार्थक टेक्स्ट बनाएं जिससे हम कुछ बात कह पाए, तो उसमें मेहनत लगेगी, उसमें लंबे विवेचन लगेंगे, हो सकता है बोर्ड भी लगे। तो एक्टिविटी और मजा दो स्तर पे हम बात कर सकते हैं। एक स्तर पे तो वो जो उस चीज को करने में आया, और दो उसको सीखने में, जो सीखने के बाद आया। आप एक गहरी चर्चा में जब आप जाते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो उसमें जो मजा आता है ना, वो किसी भी खेल में आए हुए मजे से अलग होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि शिक्षा का कोई पुराना और नया तरीका नहीं है, शिक्षा का बस एक ही तरीका है कि अपने सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच में एक संवाद हो, दोनों कुछ सीखे, और सीखने वाला जो है वो अपने आप से, अपने ज्ञान से संवाद करना शुरू करना। ये कैसे भी आप करा दीजिए वो ठीक है। तो मुझे तरीकों के बारे में बस इतना ही कहना है कि मैं किसी भी तरीके को बेहतर नहीं मानता। मेरे सबसे अच्छे टीचर वो हैं जिन्होंने कभी एक गतिविधि नहीं कराई, बोर्ड पे आके अच्छे से करते थे, हमें बोर्ड पे खड़ा करके अच्छे से हमारी क्लास लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये नहीं महसूस होने दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी हमेशा ये, उनका हमेशा ये दबाव था, ये अपेक्षा थी कि हम सब सीख सकते हैं, गाना सीख सकते। उन्होंने कभी हमें कम नहीं आंका। जॉन होल्ट भी यही बात कहता है कि हम अक्सर बच्चों को बहुत कम आंकते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि कंकड़ है, एक दो तीन को गिन दो, मतलब ये उनके साथ, उनकी क्षमता के साथ मजाक है, मजाक नहीं तो और क्या है। कक्षा एक में हम उनको सामग्री दे देते हैं कि एक दो तीन तीन कंकड़ निकाल के दिखाओ। बच्चा 4-6 साल का घर में मुश्किल से मुश्किल खेलों में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे से सब झगड़ के संघर्ष करके अपना हिस्सा मांगना जानता है, उसको आप एक दो तीन से पत्थरों से गिनना सिखा रहे हैं, तो उसकी जो काबिलियत है उसके साथ आप नाइंसाफी तो कर रहे हैं, समय के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि गतिविधि का अर्थ मजा नहीं होता, खेलकूद नहीं होता, सामग्री नहीं होती। गतिविधि का अर्थ ये होता है कि आपके दिमाग में वो कुलबुली, जिस कुलबुली की वजह से आप नई अवधारणाओं से जूझने में अपने आप को सक्षम करते हैं, और अपने दिमाग में जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को आप और ज्यादा विस्तृत रूप से देख पाते हैं। और ये रिसोर्सेस की बात हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इसी में जुड़ा है। आईसीटी कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक नए तरह का टंडीरा है जो भटका ही सकता है ज्ञान को। आईसीटी को उपयोग करने में जब आप सक्षम हो जाते हैं, जैसे अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं आईसीटी का,
क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं जो हम वैसे नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ ऐसी चीज करनी है जो हम वैसे नहीं कर सकते, तो उसके लिए आईसीटी जरूरी है। मान लो आपको कोई पृथ्वी का ग्रहण का तस्वीर तो फिल्म दिखानी है, या ये दिखाना है कि अंतरिक्ष कैसे दिखता है, या ये दिखाना है कि जो एटम का जो अणु का विघटन होता है वो कैसे होता है, या ग्लेशियर कैसे क्या होता है, या कुछ भी ऐसी चीज दिखानी है या कोई प्रक्रिया दिखानी है जो आप वैसे नहीं दिखा सकते, तो उसमें आईसीटी की भूमिका है। लेकिन आप अगर जो काम हम हाथ से कर सकते हैं, जो काम हम दिमाग से कर सकते हैं, उसके लिए आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप शिक्षा के रास्ते में बाधा पैदा कर रहे हैं, उसको मदद नहीं कर रहे। तो मैं तो शिक्षण में और शिक्षा में आईसीटी को बिल्कुल ही गैर जरूरी मानता हूँ, कम से कम स्कूल तक। आप अगर बच्चों को अंग्रेजी की कविता कुछ सुनाना चाहते हैं, अंग्रेजी के डायलॉग सुनाना चाहते हैं, हिंदी की अच्छी कविताएं सुनाना चाहते हैं, तो जरूर आप कैसेट दे दीजिए। आप चाहे तो मोबाइल पे उनको सुना सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो मदद कर सकता है। लेकिन आईसीटी का मजबूरी ना हो तो इस्तेमाल करना मुझे तो लगता है कि गैर जरूरी है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रिसोर्सेज स्कूल में किताबें हैं, कॉपियां हैं, मिट्टी है, पत्थर है, माता पिता हैं, दोस्त हैं, शिक्षक हैं। यही हमारे लिए, इंसान के लिए शिक्षा का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत है। जब तक कि हम रोबोट की शिक्षा ना करें, रोबोट की शिक्षा करनी हो तो उसके लिए शायद आपको आईसीटी चाहिए, लेकिन इंसानों की शिक्षा के लिए तो इंसान चाहिए और वो सामग्रियां चाहिए जिससे इंसान आमतौर पर इस्तेमाल करें। आप एक सवाल और ले लूं, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम है, पर ये सर एक सवाल और ले सकते हैं सर, लीजिए प्लीज। मैं चाहता था और लोग बोले, या तो और लोग बोल लें इसको, सवाल को हम छोड़ देते हैं भाई, कभी और ले लेंगे। समय को देखते हुए अगर आई थिंक एक सईद का कुछ बोलना चाहते हैं, एक सईद का सवाल ले लेते हैं। ठीक है सईद जी, गुड आफ्टरनून सर। सर जैसा आपने कहा कि बच्चों के साथ हम जब उनको पढ़ा रहे हैं तो ज्यादातर हमें जो बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान रखते हुए पढ़ाना चाहिए। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे सेंटरों पे और टाइम भी लिमिटेड होता है, तो ऐसे में अगर जो TLM हम यूज करते हैं या जो एक्सटर्नल चीजें हम यूज करते हैं, अगर हम उनको यूज ना करते हुए और ऐसी क्या चीज यूज कर सकते हैं कि उस लिमिटेड टाइम पीरियड में हम बेस्ट डिलीवर दे सके, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट्स है, और भी कई तरीके की समस्याएं होती हैं, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम कैसे बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज? तो और कोई सवाल है क्या इस तरह का, या और भी कोई इंटरेस्टिंग सवाल है? फिलहाल यही है सर। तो मैं सिर्फ एक चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास, पहले तो ये मानना पड़ेगा हमारे पास टाइम, बच्चे के पास अनलिमिटेड टाइम है, और बच्चे के पास अनलिमिटेड टाइम है और सीखना किसको है? बच्चे को। तो सवाल ये है कि हमारे सेंटर का टाइम कैसे इस्तेमाल हो कि बच्चे के ज्यादा टाइम को हम उसको, बच्चे के ज्यादा टाइम को वो सीखने के लिए हार्नेस कर सके। तो अब प्रश्न ये है कि इसी का मैं कह रहा था कि इसका ये अर्थ है कि फिर आप सीखने को किस दृष्टि से देखते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं जो अपन ने पूरी बात की है। मान लीजिए हम सेंटर पे आने वाली बच्चियों से कहते हैं कि कल वो आके 5-5 मिनट में ये बताएंगी कि उनके पिताजी क्या काम करते हैं और उसको काम करने में उनको क्या क्या, किस चीज, कौन सी चीज अच्छी लगती है, किस चीज में दिक्कत होती है। या फिर, और इसके बाद हम और काम कर सक कह सकते हैं कि अच्छा दिन में कल आप आके ये बताएंगी कि आपके घर में क्या क्या काम होता है, किस किस समय से काम होता है।
आपको उसका टाइम नोट करना है, उसके बारे में एक दो वाक्य सोचने हैं, अगर लिख सकते हैं चित्र बना सकते हैं तो उसका चित्र बना के लाइए, तो और आके फिर आप उनको सिर्फ आपका काम 10 मिनट में आके बोर्ड पे उसको रख देना है और उसमें से कुछ शब्द निकाल के आप उस पर जो भी गतिविधि कराना चाहते हैं वो आपका शिक्षक करा सकता है। तो फिर आपने जो आधे घंटे का समय है उसको बढ़ा दिया। मैं आपको ये हमें टीचर्स के साथ मिलकर सोचना पड़ेगा कि अलग चीजें जिन पे हम काम करना चाहते हैं चीजों के बारे में कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे और चीजों के बारे में पता करें, उस पता करके उसके बारे में कुछ व्यवस्थित रूप से सोच के लाएं, उसको प्रस्तुत करें और उसमें हम गणितीय और भाषाई अवधारणाओं को कैसे सम्मिलित करें। तो अगर हम ये मान के यही सोचेंगे कि जो बच्चे को सीखना है वो तो केंद्र पे ही सीखना है, स्कूल में ही सीखना है, तो आप ठीक कह रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा बहुत कम समय है और सिखाना बहुत ज्यादा है और हमें ये भी कोशिश करनी है कि जो हम घर पे नहीं सीख पा रहा बच्चा वो भी हम स्कूल में सिखाएं, तो उससे हमारा काम बहुत लगभग असंभव हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात का इसकी बात की तरफ ध्यान रखें कि हम कैसे ये कोशिश करें कि स्कूल के बाहर का टाइम, केंद्र के बाहर का टाइम भी सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो। मुझे मालूम नहीं आपके पास किताबें हैं तो ये किताब उनको दे सकते हैं कि कल इसको पढ़ के आइए और कल इसमें से कोई हिस्सा आप सब हम सबको पढ़ के सुनाइए जो आपको पसंद आए, कुछ नहीं और काम। तो एक तरह से आप जो पूरा चीज वहां केंद्र पर करना चाहते हैं गतिविधि, उस गतिविधि को आप शुरुआत घर में कर सकते हैं, उस गतिविधि को बाद उसका खत्म आके फिर आधे घंटे में एक घंटे में जितना भी आपके पास टाइम है केंद्र को उसमें करवा सकते हैं। कई बार आपको प्रक्रिया को शुरू करने के लिए करना पड़ेगा, फिर आप उसमें आगे बच्चा जाके कर सकेगा, तो दोनों परिस्थितियों में जैसा भी संभव होगा वैसा आपको सोचना पड़ेगा। जो है मुझे लगता है मैनेजर इस्तेमाल करने से फायदा है जब उसका बांटने का समय, उसको उपयोग करने का सिखाने का समय और उससे जो सीखा जाने की गुंजाइश है उसमें कुछ सामंजस्य हो। अगर बांटने में उसको इस्तेमाल करना सीखने में इतना टाइम लग जाएगा कि उससे सीखते सीखते जो निकलने वाला है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो बहुत लाभ नहीं होगा। और एक और भी बात मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हालांकि शाह जी ने कहा था कि सुरी ने भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि सवाल का कोई जवाब हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सवाल का कोई जवाब हो ही ना या गलत जवाब को भी आप चुनौती ना दे पाए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, सिर्फ एक जो चित्र वाला उदाहरण था जिसमें आप ये कल्पना कर रहे थे कि वो पेड़ जो है वो कितना ऊंचा है, उसमें जब ऐसी चीजों से आप तुलना करते हैं जो दूर है और उनसे आप अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं तो उस अनुपात में एक समस्या होती है। वो आप जानते हैं क्या समस्या होती है चित्र में बनाने में क्या होता है? कोई बोलना चाहेगा? नहीं मैं ही बोल देता हूँ। जी सर, आप लोग टाइम की बात, कोई अगर कुछ कहना चाहे तो बोलिए। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है कि क्या फर्क होता है चित्र को पास की चीज में और दूर की चीज में? सर, पास की चीज थोड़ी बड़ी बनती है और उसी चित्र में अगर दूर की चीज बनाते हैं तो वो छोटी बनती है। सही है। तो अब आप जब मकान से पेड़ की तुलना करेंगे या मकान की दीवार से, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चित्र में परिपेक्ष है उस परिपेक्ष में जो मकान दिख रहा है वो एक्चुअली जो मकान है उससे छोटा है। तो अगर उससे आप अनुपात निकाल रहे हैं तो आपकी पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब इस चीज पे अगर आप इस तरह के सवाल आप देते हैं जिसमें जो खुला वो है उसके बारे में कम से कम आपके बारे में इतने जहन में हो कि आप उसमें अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है बच्चा तो उसको टोक पाए। तो ऐसे TLM का उपयोग जिस TLM को आप अच्छे से समझते नहीं है
उस TLM का उपयोग इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत फायदेमंद नहीं होता। TLM वो अच्छा होता है जिसके ऊपर मेरी पूरी पकड़ है, जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जिसको मैं बदल के इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जिसको जिसके जिसमें जो नई नई चीज़ें आए हैं, आए बच्चे कहें, उसके बारे में मैं कुछ उससे कुछ जुड़ाव बना सकता हूँ। ऐसा TLM, ऐसा मैनिपुलेटिव जो बाहर से आया है, जिसको मुझे ही इस्तेमाल करने में बहुत संशय है, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर बच्चों के साथ काम करने में मुझे लगता है कि मुझे तो हिचकिचाहट होगी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि TLM महत्वपूर्ण नहीं है, आपका और बच्चों का संवाद महत्वपूर्ण है। वो संवाद जिस तरह से आप बढ़ा सकें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मस्तिष्क को उद्वेलित कर सकें, जिससे कि वो अगले दिन आपको कुछ आके बताएं जिसमें आपको जोड़ पाएं, वो उस तरह का TLM का उपयोग ज़रूरी अच्छा होगा। और अगर वो TLM का उपयोग ऐसा है जो उनको माता पिता से डायलॉग करने में, अन्य वयस्कों से डायलॉग करने में, आसपास के बड़ों से जाके कुछ बातचीत करने में, उनसे कुछ जान के लाने में मदद करे, तो उसका उसको भी फायदा होगा। एक जो सवाल दानदाताओं का है, इसको मुझे मालूम नहीं मैं लूं कि नहीं लूं, पर ये बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग स्पष्ट हैं तो हम शायद दानदाताओं को भी ये समझा सकेंगे कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि असल में दानदाताओं को भी परिवर्तन ही चाहिए, और कम से कम इन इम्पैक्ट के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ अगर एक संवाद होगा तो वो ज़रूर इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों आप जो कह रहे हैं कि लड़कियों की शिक्षा में और समाज की शिक्षा में जो मेजर परिवर्तन की ज़रूरत है वो है कम्युनिटी की ओनरशिप, कम्युनिटी की भागीदारी, और स्कूल और घर की दूरी को कम करके दोनों की शिक्षा को आपस में मर्ज करना। उसके बगैर हम वास्तव में शिक्षा में कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की लड़कियां शिक्षित हो पाएंगी और वो क्वालिटी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी। यही तरीका है जो अपेक्षित लर्निंग लेवल्स हैं उनको हासिल करने का, रट के उनको बार बार अनइंटरेस्टिंग धर्म अरुचिकर ढंग से दोहराने से वो हासिल नहीं। तो मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। हाँ जी सर, आई थिंक सर आपने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बहुत सरलता से आपने जो बातें हमें बताई है, स्पेशली जब हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे, या अभी जैसे आपने बताया है कि जिसमें आपने टीचिंग मेथड के बारे में जब बात की, पुरानी और नई का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हम उसको किस तरह से कम्युनिटी तक, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। आई थिंक अभी भी सर सवाल आ रहे हैं, और मैं पर्सनली आपको बोलूंगी कि आपने ये जो TLM वाला एक उठाया है पर्टिकुलर सेगमेंट, हमें इसमें आपकी बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए होगी सर, क्योंकि हमने बहुत रिसेंटली बड़े सारे TLMs ऐड किए हैं अपने ओवरऑल करिकुलम में। आपने सुना होगा जब शाहजी भी बता रहे थे, तो हमने अभी थोड़ा सा मैथ्स के लिए करिकुलम में और EVS के लिए ना हमने बहुत सारी एक्टिविटीज और TLM को ऐड किया, जबकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली कि एक्टिविटी और TLM उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसके साथ जो डिस्कशन, जो लर्निंग हो रही है वो इम्पोर्टेंट है, जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, पर उसमें हमें आपका थोड़ा सा और इनपुट चाहिए। आई थिंक ये पहला सेशन है जहां मुझे थैंक यू बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है सर, क्योंकि जब थैंक यू बोला ना तो सेशन खत्म हो जाता है। तो क्योंकि सवाल भी आ रहे हैं और बहुत मौका भी नहीं दे पा रहे हैं TLM के बाद, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे सवाल और उनके एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इसको थोड़ा सा ओपन रखते हैं सर आज के सेशन को, और आगे जाते हुए शुभांगी भी हमारे साथ है, शुभांगी भी सब सुन रही है, आई एम श्योर उनको भी यही लग रहा होगा कि काफी सारी चीजें जो अभी हमें और एड्रेस करनी है सर। तो इसलिए मैं इस सेशन को ओपन रखते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऑफलाइन में आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करूंगी इस बारे में, और इसको एक और पार्ट में हम ले चलते हैं। ठीक है ना सर? वेरी हैप्पी टू डू इट। और प्लस सर को ये कह रही है कि आप मुझे जो आपने अभी खरीदा है ना, ऐड किया, उसकी लिस्ट भेज दीजिए, ताकि उसका क्या उपयोग हो सकता है
और कैसे हमारे टीचर उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल तो हम वो कर लें ताकि, और वो घर में भी जा सकता है ना बच्चों के, बिल्कुल माता पिता के साथ तो जो हम करना चाहते हैं उसको उस तरह से जो हमारे पास है उसको इस्तेमाल करना तो हमारा फर्ज है। कि अब तो मिट्टी और पत्थर की तरह है ना जो बगल में मिलते हैं क्योंकि है हमारे पास, बिल्कुल तो इस्तेमाल सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है जो हम करना चाहते हैं उसको सोच सकते हैं, तो आप भेज दीजिए। ठीक है सर, तो कंटिन्यू करते हुए फिर भी मैं एज यूजुअल अपनी इम्पैक्ट की टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरा ऑन करके एक बार सब जने मिलकर सर को अगर थैंक यू बोल दें। हेलो हार्दिक, थैंक यू सर। हाय शिवांगी, हेलो, हाय, थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपने काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई और हम लोगों को भी सुना। थैंक यू सर। इम्पैक्ट की टीम प्लीज आप रुकिएगा, मत जाइएगा, सर से पहले थैंक यू बोल लेते हैं। थैंक यू सर, मैं चाहता हूँ। थैंक यू जी, बाय बाय, थैंक यू हार्दिक। ओके ग्रेट, आई थिंक इम्पैक्ट की टीम अगर दो मिनट लिए रुक जाएगी तो मुझे एक छोटी सी बात बोलनी है प्लीज। ओके सभी को किसका प्लीज म्यूट कर दीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सभी को बहुत बहुत थैंक यू म्यूट करने के लिए। एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम की वजह से आपको नहीं दे पा रहे थे। आज 4 बजे ना TOT प्लान कर रहे थे हम लोग कोविड फेज 2 के बारे में। इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है सभी को किसी ना किसी तरह, तो क्योंकि फील्ड की टीम है हमारे साथ, ये इम्पैक्ट की टीम के लिए है फिलहाल, को टीम के लिए, और जैसे हम इसको आगे पहले भी लेके गए थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो करेंगे, पर फिलहाल इम्पैक्ट की टीम के लिए हम सब अगर 4 बजे आज TOT करेंगे, तो इसीलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा आसपास रहिए। आपको अभी थोड़ी देर में मैं जूम इनवाइट भी भेज देती हूँ। किसी का कुछ इनपुट है रामचंद्र जी? ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो रुक्मणी ऑल गुड ना? अमर जी, 4 बजे के, 4 बजे के कुछ और शेड्यूल रखे हुए थे हमने, सो उनको शिफ्ट करना रहेगा। जी रवि, मुझे यकीन है आप लोगों की टीचर्स ट्रेनिंग जो हमारी चल रही है ब्लेंडेड ट्रेनिंग। यस मैम, यस मैम, यस मैम, आपकी होगी आज 4 बजे जरूर, तो तभी मैंने इनफैक्ट अभी मैंने सोचा चलो 2 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो हम 4 बजे आज कोविड फेज 2 कर देते। एक सजेशन था। हाँ सादिक, सजेशन दो। क्या कर सकते हैं तो वेल, क्योंकि आज का लास्ट है तो कुछ TLM पे भी बात होगी, तो आज हमारा तो आज का अगर करके पोस्टपोन करके कल का अगर हम रख लें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन फिर हेलो, ये तो फिर कंटिन्यू चल ही रहा है ट्रेनिंग का, तो हाँ टीचर ट्रेनिंग तो क्योंकि कंटिन्यूस है और होगी और कल भी बहुत सारे बैचेस हैं हमारे पास, तो अगर आप लोग बोलो तो आज 4 बजे हम लोग जरा फ्रेश माइंड से कोविड फेज 2 भी समझ लेते हैं। ताकि वीकेंड पे थोड़ा सा और रीड करने का मौका मिल जाए। जी कर दीजिए, कर दीजिए मैम। 4 बजे फाइनल है कि हम करें? मेरा एक कंसर्न था, मैं एक कंसर्न था फरहान, कंसर्न मुझे ऑफलाइन फोन पे बता। फरहान मैम वही था कि मैम यही था कि वो जो है आज हमारी चर्चा होने वाली थी, इसी वजह से हमने वह जो है सुबह में कोई प्लान नहीं किया था। अब जो हमारे जो भी प्लान थे सब आफ्टरनून में थे, तो उसको भी कहीं ना कहीं आज वो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आज का दिन बेकार हो जाएगा मैम। फरहान जी, दिन बेकार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम कोविड, आप हमने इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा भी की है। ओके मैम, ओके मैम। और हम सेकेंड हाफ में कोविड फेज 2 कर रहे हैं, तो प्लीज आप ये मत सोचो दिन बर्बाद। यस मैम, आज के दिन में आपने सुबह के इसमें सुना और शाम के इसमें सुना, तो आगे के 2 महीने आपके सफल है कम से कम, है ना? क्योंकि हम जो TOTs कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं चीजों से हमें सीखकर आगे फील्ड तक पहुंचना है। तो आज का दिन आप ये सोचो कि आप सीख रहे हो ताकि आगे और सिखा सको।
ठीक है, तो 4 बजे हम करते हैं। मैं अभी जूम इनवाइट भेज रही हूँ, एक मेल हम आपको भेज रहे हैं, प्लीज वो पढ़ के रखिएगा, थोड़ा सा कंटेंट देख के रखिएगा, वो बस तुरंत इसके बाद आपको भेज रहे हैं मेल और जूम का इनवाइट दोनों। ओके, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे इस महीने में। अभी हमारा नेक्स्ट वीक में हम और एक सोशल डायलॉग करेंगे, जुलाई से हम 4 की जगह शायद 2 कर दें, क्योंकि बहुत मूवमेंट अब आप लोगों का सबका शुरू हो रहा है, हमारा भी जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा हमने प्लान किया है। सो नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे इसी मंच पे सोशल डायलॉग के साथ। बाय, थैंक यू मैम, बाय बाय, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बाय, थैंक यू।